गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आप में से कुछ लोगों को मैंने अभी अभी व्हाट्सएप किया है, कास्टिंग के नोट्स मिले होंगे। मिल गए? सर चलिए फिर तब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक को, वेल्डिंग।
1 मिनट 1 मिनट। वेल्डिंग या ज्वाइनिंग, ये हमारा नया टॉपिक है। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि वेल्डिंग क्या होती है, वेल्डिंग एक फैब्रिकेशन टेक्निक होती है जिसमें हम लोग दो मेटेलिक सरफेस के इंटरफेस को ज्वाइन कराते हैं। ओके फ्रेंड्स, ऐसा हम लोग कराते कैसे हैं, ये हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट तो ऑलवेज रहती है, बाकी कभी कभी प्रेशर होता है, कभी कभी प्रेशर नहीं होता है, विद एंड विदाउट अप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। इसी के साथ साथ कभी कभी एक फिलर मटेरियल, कोई एक एडिशनल मटेरियल हम लोग मिलाते हैं, कभी कभी नहीं मिलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, विद एंड विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फिलर मटेरियल। ओके, तो ये जो ज्वाइंट देता है हमको, जो ज्वाइंट हमें प्रोड्यूस होता है वेल्डिंग के थ्रू, वो एक परमानेंट नेचर का ज्वाइंट होता है और इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। वैसे तो देखिए, हमारा एक बड़ा टॉपिक होता है जिसका नाम होता है ज्वाइनिंग। ओके फ्रेंड्स, ज्वाइनिंग एक बड़ा टॉपिक होता है। इस ज्वाइनिंग में हमारे पास कई सारी टेक्निक्स हैं। इसमें हम लोग पहले तो हम लोग मैकेनिकल ज्वाइनिंग करा सकते हैं। मैकेनिकल ज्वाइनिंग जैसे कि स्क्रू से या नट बोल्ट से हम लोग, या रिवेट्स की हेल्प से जो हम लोग टेम्परेरी ज्वाइंट्स बनाते हैं वो कहलाता है मैकेनिकल ज्वाइनिंग। ओके, अगला एक हो सकता है हमारे पास एडहेसिव बॉन्डिंग। ओके, और एट लास्ट एक हमारे पास पॉइंट आता है, एडहेसिव बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ, किसी मेटल और नॉन मेटल को आपस में एक सुपर ग्लू का इस्तेमाल करके आपस में चिपका देने वाला जो काम होता है वो होता है एडहेसिव बॉन्डिंग। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम लोग ब्रेक शू जब बनाते हैं तो ब्रेक शू में यही काम करते हैं। ठीक है, और बाकी एक तीसरी चीज आती है हमारे पास, वेल्डिंग। तो देखिए होता क्या है, इंजीनियरिंग वर्ल्ड में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई एक प्रोडक्ट कंप्लीटली एक ही बार में नहीं बना पाते हैं। हम लोग उसको कई सारे टुकड़ों में बनाते हैं, कई सारे डिफरेंट पार्ट्स में बनाते हैं और बाद में उसको आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाद में उसको आपस में ज्वाइन कर देते हैं, तो ऐसा करने पे एक हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमारे सामने आता है। जैसे आप अपने घरों में अलमारी वगैरह देखिए, तो अलमारी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको मैकेनिकल ज्वाइनिंग भी दिख जाएगी और वेल्डिंग भी कई जगहों पे दिख जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपस में पार्ट्स जोड़े भी गए होते हैं, वेल्डिंग भी की गई होती है और वहां पे ये रिवेट्स वगैरह लगा के वो भी उस तरीके से भी जोड़े गए होते हैं पार्ट्स। बाकी एडहेसिव बॉन्डिंग का मैंने आपको एग्जाम्पल बता ही दिया। तो देखो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा पार्ट है, ये एक ऐसा पार्ट ऑफ स्टडी है जिसको मतलब कि मैक्सिमम लोगों ने अपने लाइफ में देखा ही होता है। वेल्डिंग का कोई ना कोई एग्जाम्पल होते हुए मैक्सिमम लोगों ने अपनी लाइफ में देखा ही होता है। बहुत ही कम लोग होंगे जो ये कहते हैं भाई कि मैंने तो सर वेल्डिंग की कोई भी टाइप ऑफ वेल्डिंग, मैंने एनी टाइप ऑफ वेल्डिंग मैंने होते हुए देखी ही नहीं आज तक अपनी लाइफ में। ऐसा बहुत ही कम लोग आपको कहते हुए मिलेंगे। आप में से कोई है क्या ऐसा जिसने कोई भी टाइप की वेल्डिंग ना देखी हो कभी? नो सर, हेलो, तो देखिए कहीं ना कहीं तो लोगों ने देखी ही होती है कोई ना कोई गैस वेल्डिंग, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई टाइप की वेल्डिंग होते हुए लोगों ने देखी ही होती है। गैस वेल्डिंग बहुत आसानी से अपने गली मोहल्लों में आपने देखा होगा, और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि हमारे घरों में यूज होने वाले खिड़की दरवाजे, और ये रहते हैं लोहे के जो दरवाजे घरों के बाहर लगे रहते हैं, ये सारी चीजें कहते हैं क्या नाम, या फिर हमारे घरों में जो गाड़ियां वगैरह जो हो रही हैं, हम लोग यूज करते हैं, ये सारी गाड़ियों में भी वेल्डिंग का अच्छा खासा इस्तेमाल हुआ होता है। बहुत सारी जगहों पर वेल्डिंग का इस्तेमाल होता है। तो देखो, एक बड़ा टॉपिक है ज्वाइनिंग,
लेकिन मैं दुनिया में ये जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जो बनाए जाते हैं, ज्वाइनिंग्स जो बनाए जाते हैं, उनमें से 95% ज्वाइनिंग जो होती है वो वेल्डिंग के थ्रू होती है। तो क्योंकि 95% ज्वाइनिंग वेल्डिंग के थ्रू होती है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ वेल्डिंग को ही पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में सिर्फ वेल्डिंग ही पढ़ते हैं हम लोग। बाकी ये जो मैकेनिकल ज्वाइनिंग, ये जो पार्ट है, ये हम लोग मशीन डिजाइन में आ जाता है, वहीं पे पढ़ लेते हैं लोग, तो इसलिए यहाँ पर डिस्कस करने का ऐसा कोई मतलब नहीं बनता है। तो वेल्डिंग में आइए, हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। वेल्डिंग एक फैब्रिकेशन टेक्निक है फैब्रिकेशन टेक्निक है जिसमें हम लोग दो मेटेलिक पार्ट्स के इंटरफेस को ज्वाइन कराते हैं। बाई एप्लीकेशन ऑफ बाई हीट कॉमा विद और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड विद और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फिलर मटेरियल। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए वेल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि ना सिर्फ नया प्रोडक्ट बनाने के लिए ही यूज नहीं होती है, बल्कि इसकी हेल्प से हम लोग पुराने प्रोडक्ट्स जो टूट फूट गए होते हैं उनको फिर रिपेयर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। वेल्डिंग से हम लोग मेकिंग तो करते ही हैं, नया प्रोडक्ट तो बनाते ही हैं। मेकिंग ए न्यू प्रोडक्ट एज वेल एज रिपेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ओल्ड प्रोडक्ट्स ऑल्सो। ओके फ्रेंड्स, जो पुराने प्रोडक्ट्स अगर टूट फूट गए होते हैं तो उनकी रिपेयरिंग भी हम लोग वेल्डिंग के थ्रू कराते हैं। अब ये देखो दोस्तों, अभी तो वैसे तो अगर देखा जाए तो एक आध दो मेथड तो वेल्डिंग के ऐसे भी आ गए हैं, वेल्डिंग के एक आध दो मेथड ऐसे भी आ गए हैं जहां पर हमें हीट देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर देखा जाए, अगर पूरा एकदम आप लोग डिटेल एनालिसिस करें, जैसे कि IIT रुड़की में वेल्डिंग से एमटेक करने के लिए एक ब्रांच है, ठीक है ना। IIT रुड़की में है, NIT सूरत में है, और भी दो तीन जगहों पे। अच्छा हाँ, उसमें NIT त्रिची में भी है, ठीक है ना। NIT त्रिची में भी है वेल्डिंग से एमटेक करने की ब्रांच, और आपको जान के यकीन नहीं होगा कि IIT रुड़की से अच्छा प्लेसमेंट है NIT त्रिची वाले वेल्डिंग के जो एमटेक की ब्रांच है उसका प्लेसमेंट। NIT त्रिची वाले का प्लेसमेंट ज्यादा अच्छा है इन कंपेयर टू IIT रुड़की वाले ब्रांचेस से। तो कभी अगर मौका मिले तो वहां से NIT त्रिची से अगर किसी को मौका मिलता हो एमटेक करने का, एमटेक की कोई भी ब्रांच मिले, XYZ कोई भी ब्रांच मिले, तो आंख मूंद के कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर लगभग लगभग 100% प्लेसमेंट है। तो और अच्छा प्लेसमेंट होता है, मतलब कि मैकेनिकल में 5-6 लाख तक की जॉब मिल जाती है एमटेक वालों को। तो NIT त्रिची एक अच्छी डेस्टिनेशन है। तो जो लोग एमटेक करते हैं वेल्डिंग में, वो लोग सारे टाइप ऑफ वेल्डिंग जो है जितनी भी डेवलप की गई वो लोग पढ़ते हैं, मैक्सिमम सिलेबस पढ़ते हैं। तो अभी तक अगर देखा जाए तो लगभग लगभग 150 टाइप की वेल्डिंग्स डेवलप की जा चुकी हैं।
150+ टाइप ऑफ वेल्डिंग मेथड्स आर डेवलप्ड टिल नाउ, लेकिन पे हमें ऑब्वियसली इतने मेथड नहीं पढ़ने होते हैं। कास्टिंग में भी मैंने आप लोगों को बताया था, कास्टिंग में भी 50+ ऑफ मेथड्स डेवलप हो चुके हैं, लेकिन हमारे बैचलर लेवल सिलेबस में हम लोग केवल 6-7 ही पढ़ते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी 150+ टाइप ऑफ वेल्डिंग मेथड्स डेवलप हो चुके हैं, लेकिन हम लोग मिला जुला के, कुल मिला जुला के हम लोग केवल 10-12 टाइप ही डिस्कस करने होते हैं हमें। ठीक है दोस्तों, तो दस बारह पंद्रह 10 से 15 टाइप ही डिस्कस करने होंगे हमें। ठीक है, तो यही है रियलिटी सिलेबस, हम लोग का बैचलर लेवल में बहुत ही कम यूज होता है। आइए देखते हैं किस बेसिस पे हम लोग वेल्डिंग की क्लासिफिकेशन कराते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग आप ये काम जॉइंट्स के हिसाब से भी करा सकते हो। ओके, अकॉर्डिंग टू जॉइंट्स, एक तो देखो आप ऐसा भी बना सकते हो, मतलब कि कभी ऐसा भी हो सकती कंडीशन आपके पास की दो प्रोडक्ट हमें आपस में जोड़ने हो और ये इस तरीके का ज्वाइंट बनाना हो। ओके, आमने सामने इस तरीके से उनका ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपस में वेल्ड करना हो, ठीक है ना। ये कौन सा ज्वाइंट है, कोई बताया क्या इस ज्वाइंट को क्या कहते हैं? एक तो ये ज्वाइंट और दूसरा एक ये वाला। सर लेप एंड बढ़ जाएंगे वेरी गुड, ये पहला वाला जो है वो है बट ज्वाइंट, और ये दूसरा वाला ज्वाइंट लैप। को हम लोग लैप ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। लैप मतलब क्या, एक दूसरे की गोद में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, एक दूसरे की गोद में ऊपर नीचे दो चीजें रखी हुई हैं, तो उसको लैप ज्वाइंट कहते हैं। ऐसे ही एक आता है हमारे पास, ये कॉर्नर ज्वाइंट, ठीक है, ये आता है कॉर्नर जॉइंट। एक और अगर हम लोग देखें तो इसी में एक हमारे पास आता है टी जॉइंट। इसे कहते हैं टी ज्वाइंट। और एक होता है एज ज्वाइंट।
ओके दोस्तों, ये है एज ज्वाइंट। ठीक है ना, अलग अलग टाइप के ज्वाइंट होते हैं हम लोग। इसके बेसिस पे हम लोग इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं वेल्डिंग का। और आगे बढ़ते हैं, एक और दूसरा टाइप अगर हम लोग देखें तो पोजीशन ऑफ वेल्डिंग के हिसाब से भी, अकॉर्डिंग टू, पता नहीं क्यों वो ढंग से नहीं बनता है, हमेशा गड़बड़ हो जाता है। पोजीशन ऑफ वेल्डिंग के बेसिस पे भी अगर देखा जाए तो वेल्डिंग के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं। एक हमारा टाइप हो गया पहला, तो इसमें फ्लैट पोजीशन, ओके। एक और होता है हॉरिजॉन्टल, एक और होता है वर्टिकल, फिर एक इसी में आ जाएगा आपके पास ओवरहेड। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्लैट पोजीशन का मतलब क्या हुआ, किसी जमीन पर दो प्लेट रखी हुई हैं या दो आपके पास प्लेट किसी टेबल पे रखी हुई है, ठीक ना, या तो टेबल पे रखी हुई हो या तो जमीन पे रखी हुई हो प्लेट्स, उन्हें हमें आपस में ज्वाइन कराना है, तो ये जो टाइप ऑफ ज्वाइनिंग होगी वो कहलाएगी फ्लैट। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है आइडिया। बाकी हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग का मतलब क्या हुआ, ये आप देख रहे हो, जैसे कि ये आपका यहाँ पर ये व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, ठीक ना, ये जैसे व्हाइट बोर्ड आप देख रहे हो, तो इसका जो ये वाला पोर्शन है, अगर मुझे मान लिया ये एक मेरे पास मेटेलिक प्लेट है और ये नीचे येलो कलर की दूसरी मेटेलिक प्लेट है, इन दोनों को आपस में इस सिल्वर लाइन के अलावा मुझे ज्वाइन कराना है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल में अगर मैं वेल्डिंग कराऊंगा तो ये वेल्डिंग कहलाएगी हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग, ठीक है ना, किसी दीवार पे हॉरिजॉन्टल वे में आगे बढ़ना ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग। सर वॉइस, सर वॉइस वॉइस नहीं आ रही है क्या? नहीं ये सब ब्रेक हो क्या रही थी, मतलब अभी क्लियर है? ठीक यस सर। है, देखिए कहां तक सुनाई पड़ा था, फ्लैट वेल्डिंग क्लियर है? यस सर, हॉरिजॉन्टल स्टार्ट कर रहे थे। अच्छा, हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग का मतलब ये हुआ कि लेट अस सपोज मेरे पास किसी दीवार पर लगी हुई दो प्लेट्स हैं, ओके, दीवार पर मैंने दो प्लेट्स को लगा रखा है, ऐसे दो प्लेट्स को, ठीक है ना, ये एक प्लेट है ये एक दूसरी प्लेट है, तो दीवार पर मैं जब इस तरीके से मूवमेंट करता हूँ, वेल्डिंग कराता हूँ, तो ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग कहलाती है। जैसे कि ये मेरे पास व्हाइट कलर की एक प्लेट हो गई और ये येलो कलर की दूसरी प्लेट हो गई, ये जो सिल्वर लाइन दिख रही है, सिल्वर लाइन के अलोंग मुझे यहाँ पर वेल्डिंग करानी है, ओके। तो ये अगर मैं इस टाइप की वेल्डिंग करा रहा हूँ, इस पोजीशन पे अगर वेल्डिंग हो रही है, तो ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग, ओके फ्रेंड्स। वहीं अगर ये देखिए, अगर मुझे यहाँ पर ये इस टाइप से जो वेल्डिंग करानी है, अगर ये अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, ये जो टाइप ऑफ वेल्डिंग रहेगी ये पोजीशन कहलाएगी वर्टिकल पोजीशन, ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। तो दीवार पर ही दो प्रोडक्ट रख करके अगर मैं वर्टिकल मूवमेंट कर रहा हूं, ऐसे नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो वो कहलाएगा वर्टिकल पोजीशन। वहीं दीवार पे रख करके मैं लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट मूव कर रहा हूं, तो वो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल पोजीशन। एक और होता है ओवरहेड, मतलब अपने सर के ऊपर हम लोग छत पे जो देख रहे होते हैं वो कहलाता है ओवरहेड पोजीशन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे सर के ऊपर कोई वेल्डिंग कर रहे हैं तो वो कहलाती है ओवरहेड वेल्डिंग। ओवरहेड वेल्डिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि उसमें जो
ये वेल्डमेंट्स या जो चिंगारियां जो निकल रही होती हैं, फ्लैश जो प्रोड्यूस होता है वो हमारे ऊपर ही गिर रहा होता है, तो वहां पे बचना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, बाकी एक और स्पेशल टाइप ऑफ वेल्डिंग आजकल डेवलप हो चुकी है, ये हमारे बैचलर लेवल सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप में से किसी को कभी ONGC या फिर IOCL, BPCL, HPCL जो इंडिया की सबसे बेस्ट PSU है, सबसे ज्यादा पैकेज जिनका है। हेलो, सर ओवर हेड एक बार और बता दो। ओवरहेड सर के ऊपर अगर हम लोग कहीं वेल्डिंग करा रहे हैं, छत पे मान लीजिए दो मेटेलिक पीस रखे हुए हैं और उनको आपस में ज्वाइन कराना है, वो कहलाता है ओवरहेड वेल्डिंग। ठीक है, बाकी एक और स्पेशल टाइप है, उसको भी आप नाम सुन लीजिए, कभी अगर ONGC का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इसको पढ़ के जाइएगा, अंडर वाटर वेल्डिंग बोलते हैं। बाकी बैचलर लेवल सिलेबस में अभी तक ये नहीं आया है, ठीक है ना, तो कहीं किसी गेट एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आपसे ये चीजें, अंडर वाटर वेल्डिंग की चीजें नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन ONGC जैसी कंपनियां जो कि इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, अगर वहां पर अगर आप पहुंचे और वहां पर अगर आपने कहा कि हाँ मुझे पता है अंडर वाटर वेल्डिंग के बारे में, तो बड़े खुश हो जाते हैं लोग। ठीक है, आगे देखते हैं एक और टाइप। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, इसमें क्या होता है, एक होता है हमारे पास प्रेशर वेल्डिंग, और एक दूसरा होता है फ्यूजन वेल्डिंग। कभी कभी ऐसा होता है माय डियर फ्रेंड्स कि हम लोग जो दो मेटेलिक प्लेट्स होती हैं उनको आपस में ज्वाइन कराने के लिए प्रेशर देते हैं, ठीक है ना, ऊपर नीचे से रख करके या अगल बगल से रख करके उनको प्रेशर से हमने दबा रखा होता है, और तब उसके बाद फिर हीट प्रोवाइड कराते हैं, तो वहां पर एक वेल्ड नगेट प्रोड्यूस होता है और एक ज्वाइंट बन जाता है। ठीक है ना, तो जहां कहीं ऐसा हो रहा हो, जिस किसी मेथड में ऐसा हो रहा हो जहां पर प्रेशर अप्लाई करने के बाद तब हीट प्रोवाइड की जाती है, उस मेथड को हम लोग प्रेशर वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर्ज वेल्डिंग हो गई, थर्मेट वेल्डिंग हो गई, ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो गई, बहुत सारे टाइप हैं जो कि प्रेशर वेल्डिंग में आते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें फ्यूजन वेल्डिंग की अगर बात करें, तो फ्यूजन वेल्डिंग में तो बाकी सब है ही, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, SMAW, MMAW, बहुत सारे मेथड है हमारे पास जो कि ये फ्यूजन वेल्डिंग में आते हैं। फ्यूजन वेल्डिंग को अगर एक तरीके से कह सकते हैं नॉन प्रेशर वेल्डिंग, ठीक है ना, जहां पर आपको दोनों मेटेलिक प्लेट्स के ऊपर कोई प्रेशर ना देना पड़े, वो कहलाता है फ्यूजन वेल्डिंग। ओके, तो जो भी वेल्डिंग मेथड प्रेशर वेल्डिंग नहीं है वो फ्यूजन वेल्डिंग ही है, तो मैक्सिमम वेल्डिंग मेथड जो होते हैं वो फ्यूजन वेल्डिंग मेथड ही होते हैं। ओके, इसलिए इसका अलग से नाम नहीं लिख रही क्योंकि इसमें तो बहुत सारे टाइप्स हैं, प्रेशर वेल्डिंग में कुछ ही टाइप हैं तो उनका नाम लिख दिया मैंने। ओके, तो ये एक टाइप ऑफ एप्लीकेशन, ये हो गया एक और टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। आगे अगर देखें हम लोग, सर एक बार प्रीवियस का प्रीवियस पेज दिखा देना। एक मिनट,
ये है फर्स्ट पेज, ओके। वेल्डिंग क्या होती है, ये यहां से हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, 5 टाइप के ज्वाइंट देखे, इनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो सकता है, या फिर तो पोजीशन के हिसाब से या तो प्रेशर के हिसाब से क्लासिफिकेशन हो सकता है। अगर प्रेशर लगेगा तो उस टाइप की वेल्डिंग को कहेंगे प्रेशर वेल्डिंग, और अगर प्रेशर नहीं लगता है तो उसे कहते हैं फ्यूजन वेल्डिंग। आगे देखते हैं, फिलर मेटल आप यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कैसा यूज कर रहे हो, उसके बेसिस पे भी वेल्डिंग के टाइप्स हम लोग डिसाइड करते हैं। अगर हमने किसी टाइप का फिलर मेटल यूज नहीं किया तो उसे हम लोग कहते हैं ऑटोजेनियस वेल्डिंग, ओके। अगर वहीं जब हम लोग फिलर मेटल यूज कर रहे होते हैं तो उसमें दो टाइप आते हैं, एक तो होमोजेनियस और दूसरा हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस में का मतलब हुआ, होमोजेनियस वेल्डिंग का मतलब हुआ दोस्तों कि ये इसमें हम लोग ऐसा फिलर मेटल यूज कर रहे हैं जो कि सिमिलर है बेस मेटल के जैसा, ओके। बेस मेटल, बेस मेटल क्या होता है, अभी आगे हम लोग वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। बेस मेटल मतलब वो मेटल जिनका हम लोग आपस में वेल्डिंग कराने वाले हैं, वो मेटल कहलाते हैं बेस मेटल, ठीक है दोस्तों, वो मेटल कहलाएंगे बेस मेटल। तो बेस मेटल से मान लीजिए हम लोग दो दो आयरन की प्लेट्स है हमारे पास, उनको आपस में ज्वाइंट कराने वाले हैं, ज्वाइंट बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो जो दो आयरन की प्लेट्स हैं वो कहलाएंगी बेस मेटल। तो अगर जैसा हमारे पास बेस मेटल है वैसा ही सेम टू सेम हम लोग फिलर मटेरियल में मिलाते हैं तो वो जो टाइप ऑफ वेल्डिंग मेथड होता है वो कहलाता है होमोजीनियस वेल्डिंग। वहीं अगर बेस मटेरियल से डिफरेंट फिलर मटेरियल यूज किया जाता है तो वो टाइप ऑफ वेल्डिंग जो होती है वो कहलाती है हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। तो ऑटोजेनियस में लिख लीजिए नो यूज ऑफ एनी फिलर मटेरियल, या फिर नो फिलर मटेरियल, मटेरियल है या मेटल दोनों एक ही चीज है, नो फिलर मेटल या फिर नो फिलर मटेरियल। यहां पर इन दोनों में यूज होता है, इसमें होमोजेनियस में सिमिलर ऐसा लिखिए, फिलर मटेरियल यूज्ड बेस मेटल के सिमिलर होता है, और ये वाला होमोजेनियस डिससिमिलर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ हमारे पास बेसिस हो गए जिसके बेसिस पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग मेथड्स डिसाइड करते हैं। आइए देखते हैं इसमें से हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। यहां जैसे कि मान लिया कि ये आपके पास ऑटोजेनियस है, ओके। ऑटोजेनियस वेल्डिंग में हम लोग कोल्ड फ्रिक्शन
फोर्ज वेल्डिंग, इसी कोल्ड वाले में हमारे पास एक आता है प्रेशर, एक आता है एक्सप्लोसिव, और एक आता है अल्ट्रासोनिक। ओके, होमोजेनियस में अगर हम लोग देखें तो एक तो आर्क वेल्डिंग, एक तो केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग, और एक तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, अब यहां पे एक फ्लक्स वेल्डिंग आती है, फिर एक SMAW और एक SAW। फ्लक्स वेल्डिंग में एक AC और एक DC वेल्डिंग, ऐसे ही SMAW में TIG और MIG। ओके, केमिकल रिएक्शन में अगर देखें हम लोग तो केमिकल रिएक्शन में एक तो गैस वेल्डिंग, एक थर्मिट वेल्डिंग, ये पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस देखें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। यहां पर हम लोग स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग और फ्लैश बट वेल्डिंग, इनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और वहीं एक और हमारे पास आता है हेट्रोजीनियस वेल्डिंग का टाइप। ओके, इसमें हमें सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, ये दो टाइप होते हैं, इनका डिस्कशन करना होता है। ठीक है, तो टोटल अगर हम लोग देखें वेल्डिंग, तो वैसे देखा जाए तो बहुत 150 टाइप की वेल्डिंग मेथड्स डेवलप हो चुके हैं, लेकिन हम लोग क्या डिस्कस करेंगे वो सिर्फ यही इतना है। ठीक है दोस्तों, तो एक तरीके से सिलेबस डिफाइन हुआ कि वेल्डिंग में क्या क्या हम लोग कौन कौन से मेथड पढ़ेंगे, ये इतने मेथड हम लोग पढ़ेंगे वेल्डिंग। तो आइए पहले, तो सबसे पहले तो वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। जैसे कास्टिंग स्टार्ट करी थी तो वहां पर कास्टिंग टर्मिनोलॉजी हमने सीखी थी, उस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल पूरे कास्टिंग में कई जगहों पर होता रहा। ऐसे ही इस वेल्डिंग में भी वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी हमें देखनी होगी।
रिवर्स लेटर सपोज ये है हमारे पास ये मेटेलिक प्लेट्स हैं जिन्हें हमें आपस में ज्वाइन कराना है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट एक डायग्राम हमने बना लिया, इसका इस्तेमाल होगा। इसमें देखिए ये है आपके पास बेस मेटल, बेस मेटल का मतलब वो मेटल्स जिन्हें हमें आपस में ज्वाइन कराना है वो कहलाते हैं बेस मेटल। ओके, उसके बाद अगला होता है हमारे पास एक वेल्ड मेटल, एक और टर्मिनोलॉजी आती है वो कहलाता है वेल्ड मेटल। तो हम लोग वेल्डिंग कराते समय क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए दो मेटेलिक प्लेट्स हैं, लंबी सी हैं मेटेलिक प्लेट्स,
दोस्तों ये 1 मिनट कंप्लीट हो गई, और या फिर इसी को दो पार्ट कर देते हैं। दोस्तों ये दो मेटेलिक प्लेट्स हैं जिन्हें हमें आपस में ज्वाइन कराना है, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग आर्क को लेकर के एक एंड से लेकर के दूसरे एंड पे आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे इधर साइड से इधर या फिर इधर से इधर, ठीक है ना, या तो फॉरवर्ड और या तो बैकवर्ड, कैसा भी हम लोग करा सकते हैं ज्वाइनिंग। अब इसमें ज्वाइनिंग कराते कराते ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों मेटेलिक प्लेट्स जो है वो सिमिलर मेटेलिक प्लेट्स हो, एक ही मेटल की हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये दोनों अलग अलग मेटेलिक प्लेट्स हो। ओके, उसके बाद ये भी हो सकता है कि हमने कोई फिलर मेटल मिलाया हो, ये भी हो सकता है फिलर मेटल ना मिलाया हो, ठीक है। तो जो भी कंडीशन रही होगी, हमारा एक बीड बनता है, जिसमें कुछ हिस्सा ऊपर रहता है और कुछ हिस्सा नीचे रहता है। तो यहां पर आप लोग देख रहे हो कि ये जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया है, ये ब्लू कलर से मैंने ऊपर वाला पोर्शन दिखाया है, ओके, ये पोर्शन कहलाता है वेल्ड बीड। ओ सॉरी, ये पोर्शन कहलाता है री इन्फोर्समेंट, ये पोर्शन कहलाता है री इन्फोर्समेंट। और ये जो नीचे वाला है ग्रीन कलर वाला पोर्शन, ये कहलाता है पेनेट्रेशन। ठीक है, ऊपर है रीइन्फोर्समेंट, नीचे है पेनेट्रेशन। अब इसमें हम लोग इन दोनों को मिला दें, रीइन्फोर्समेंट और पेनेट्रेशन दोनों को मिला दें, तो जो रेड कलर की जो बाउंड्री आपको दिख रही है, वो रेड कलर की जो बाउंड्री है वो कहलाती है, जो दोनों मिले हुए हैं, ऊपर का ब्लू वाला पोर्शन आपने और नीचे का ग्रीन वाला पोर्शन, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया, तो ये कहलाता है वेल्ड बीड, ठीक है ना। और ये पूरी लेंथ में होता है, यहाँ सामने से अभी आपको केवल क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये जो दिख रहा है क्या, केवल क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इसको हम लोग बीड और या फिर वेल्ड बीड के नाम से जानते हैं। ये केवल आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, बाकी ये पूरी लेंथ में इस तरीके से जो हमारी लेंथ होगी, इस पूरी लेंथ में ये फैला होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। अब इसमें यही जो ये जो वेल्ड बीड का जो मेटल बनता है, जो वेल्ड बीड का जो मटेरियल होता है, वेल्ड बीड के मटेरियल में क्या क्या होगा, वेल्ड बीड के मटेरियल में अगर ये दोनों प्लेट सेम मटेरियल की हैं, तो इन दोनों का पिघला हुआ हिस्सा भी रहेगा, फिर तो वो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही अगर मान लिया अगर स्टील है, या दोनों ही मान लिया आयरन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पे अगर दोनों अलग अलग हैं, मान लीजिए एक एल्युमिनियम की प्लेट है और एक आयरन की प्लेट है, इनकी आपस में वेल्डिंग करा रहे हैं, तो इन दोनों का पिघला हुआ हिस्सा इसमें इस वेल्ड जोन में आएगा। ये जो वेल्ड बीड है, वेल्ड बीड जब तक लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है फ्रेंड्स, जब तक ये लिक्विड स्टेट में रहता है, तब तक इसे हम लोग वेल्डिंग जोन के नाम से भी हम लोग इसे, और या फिर हीट इफेक्टेड जोन के नाम, ये नहीं, वेल्डिंग जोन के नाम से इसे हम लोग वो करते हैं, इसे टर्म दिया जाता है वेल्डिंग जोन। वहीं जब ये सॉलिडिफाई हो जाता है, तो इसे हम लोग वेल्ड बीट कहते हैं, ठीक है ना। बाकी इस वेल्ड बीट के बगल में एक हिस्सा होता है,
या फिर जब यहाँ ऑप्शन है तो इसके जस्ट बगल में ये छोटा सा एक हिस्सा रहता है, पतला सा, ठीक है दोस्तों। अच्छा पहले हम लोग ये वाले इंपॉर्टेंट पार्ट्स लिख लेते हैं। एक तो री इन्फोर्समेंट लिख लेते हैं, वेल्ड बीड का वो हिस्सा जो कि जो ये जो मेटेलिक प्लेट्स हैं उनके ऊपर होता है, वेल्ड बीड का वो हिस्सा वो कहलाता है री इन्फोर्समेंट। वहीं वेल्ड बीड का वो हिस्सा जो कि इन प्लेट्स के अंदर होता है, धसा हुआ होता है, अंदर जो जितने अंदर तक वेल्ड बीड बना है, जितने अंदर तक वेल्ड बीड की गहराई है वो कहलाता है पेनेट्रेशन। अब देखिए एक चीज आप लोग समझ गए होंगे कि इस वेल्ड बीड का से ही, इस वेल्ड बीड से ही इस मेटेलिक प्लेट की जो ज्वाइंट बना है उस ज्वाइंट की स्ट्रेंथ डिसाइड होती है, ठीक है। ज्वाइंट सर की स्ट्रेंथ, सर हेलो, वेल्ड वेल्ड बीट कौन से मटेरियल का रहता है? वेल्ड बीड जो मट ये वेल्ड मेटल का रहता है, ये इसमें क्या है, इसमें दो तीन चीजें मिक्स हैं। इसमें बेस मेटल भी है। अब बेस मेटल में या तो सिमिलर हो सकता है, बेस मेटल दोनों सेम हो, ये दोनों प्लेट ऐसा हो सकता है कि दोनों ही आयरन की हो, या सोचता है कि एक आयरन हो एक एल्युमिनियम हो। तो इन दोनों का लिक्विड पोर्शन, जब आप लोग हीट दोगे इन दोनों के यहाँ पे जंक्शन पे हीट दोगे तो इससे भी कुछ पोर्शन मेल्ट करेगा और इसका भी कुछ पोर्शन मेल्ट करेगा। ये दोनों मेल्ट करके आपस में इस जगह पे मिक्स हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो ऐसा हो सकता है कि ये कोई एक नया मेटल बना दे, ठीक है ना। अगर सेम प्लेट होंगी, अगर ये दोनों सेम प्लेट हैं और आपने जो फिलर मटेरियल मिलाया है वो भी सेम ही मिलाया है, होमोजीनियस वेल्डिंग करा रहे हो, अगर ये तीनों ही मान लिया आयरन है कि ये प्लेट भी आयरन की है, ये भी आयरन की है, और जो आप फिलर मटेरियल मिला रहे हो वो भी आयरन का मिला रहे हो, तो सब जब आयरन ही है तो फाइनली जो सॉलिडिफाई होगा पोर्शन, वेल्ड मेटल जो बनेगा वो भी आयरन ही होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इसमें से एक आयरन है और एक एल्युमिनियम है, और जो हम लोग मिला रहे हैं ये वेल्ड ये फिलर मटेरियल मिला रहे हैं वो भी कुछ और मिला रहे हैं, तो यहां पर जो वेल्ड मेटल बनेगा, वेल्ड बीड उसी मेटल का कहलाएगा, ठीक है ना। तो वेल्ड मेटल फाइनली, वेल्ड मेटल एक मिक्स्ड सॉलिडिफाइड मेटल होता है। द मेटल दैट इज सॉलिडिफाइड इन द जोन, वेल्डिंग जोन, दैट इज नोन एज द वेल्ड मेटल। फाइनली जो मेटल बनता है सॉलिडिफाई होने पे वेल्ड जोन पे, उस मेटल को हम लोग कहते हैं वेल्ड मेटल, और वेल्डिंग जोन को जब तक लिक्विड स्टेट में है तब तक वेल्ड जोन कहलाता है, जब वो सॉलिडिफाई होता है तो वो कहलाता है वेल्ड बीड कहलाता है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, एक तो रीइंफोर्समेंट, एक पेनिट्रेशन। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वेल्ड पास। कई अच्छा मैं ये बता रहा था कि देखिए ये जो हमारे पास जो ज्वाइंट बना है उस ज्वाइंट की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है पेनेट्रेशन के ऊपर, ठीक है ना। वेल्ड बीट के ऊपर कई बार ऐसा लिखा हुआ था, किस पर डिपेंड करती है, तो पहले तो हम लोग लिखेंगे वेल्ड बीट के ऊपर। और अगर वेल्ड बीट में भी हम लोग क्रिटिकली ऑब्जर्व करें तो वेल्ड बीट में भी सिर्फ पेनेट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है स्ट्रेंथ। रीइंफोर्समेंट तो वो हिस्सा जो कि ऊपर है, उससे कोई लेन देन नहीं है। रीइंफोर्समेंट कई बार हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें अच्छी सरफेस फिनिश चाहिए होती है तो इस रीइंफोर्समेंट वाले हिस्से को बाद में मशीनिंग करा के कट करा के निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ये बाद में इसको निकालना ही होता है, तो इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि ये रीइंफोर्समेंट कम से कम बने, इसका जो कंट्रीब्यूशन हो टोटल बीड में वो कम से कम हो, ठीक है ना। 20% हो, 15% हो, 12% हो, 10%, जितना कम से कम हो उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक रीइंफोर्समेंट एक ऐसा हिस्सा जिसको कि बाद में कट करके हम लोग निकालने वाले हैं, तो वो पहले से जितना कम से कम रहे उतना अच्छा है। अब ये देखो कि पेनेट्रेशन मेनली तो वेल्ड बीड में पेनेट्रेशन ही है जो कि ज्वाइंट प्रोवाइड कर, ज्वाइंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। तो ये पेनेट्रेशन जितना गहरा होगा उतना अच्छा रहेगा, ओके। ऐसा माना जाता है, कई सारे
कई सारे एक्सपेरिमेंट से स्टडीज करके देखा गया है कि जितना इन प्लेट्स की थिकनेस होती है, प्लेट थिकनेस का 80% अगर पेनेट्रेशन हुआ, ओके, ओके okay. इस प्लेट की थिकनेस अगर टी है तो उसका आप अगर 80% तक अगर पेनिट्रेशन प्रोवाइड करा रहे हैं कम से कम, तब तो हमें एक अच्छा स्ट्रेंथ वाला ज्वाइंट मिलेगा, ओके okay? अगर आपने 80% से कम थिकनेस दी, मतलब 80% थिकनेस से कम पेनिट्रेशन आप दे रहे हो, जैसे मान लो ये है हमारे पास, ये दो प्लेट्स हैं, इनको यहां पे हमें ज्वाइन कराना है, ठीक है, और ये ऐसा वेल्ड बीट बन रहा है। अब आप ये देखो, ये जो वेल्ड बीट की ये जो पेनेट्रेशन आया, ये इतना आया, ये 80% से कम आ रहा है, ठीक है ना? तो ये इसकी जो स्ट्रेंथ मिलेगी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। अगर मैं आपको तीन ऑप्शन दूं, ठीक है, एक ये है, एक दूसरा ये है, ओके, तीसरा ये। अगर ये डायग्राम दे दिया है और ये तीनों थिकनेस एक बराबर है, तो इसमें आप देख करके और आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ज्वाइंट, अगर बाकी सारी कंडीशन सेम हो, बाकी सारी वेल्डिंग कंडीशन सेम हो, सिर्फ इस पेनेट्रेशन को देख करके आपको बताना है कि कौन सा सबसे अच्छा स्ट्रेंथ होगा, तो ऑब्वियसली आप लोग खुद ही बता सकते हो कि ये जो ज्वाइंट है इसकी स्ट्रेंथ सबसे अच्छी होगी, क्योंकि यहां पर पेनेट्रेशन सबसे ज्यादा है इन कंपेयर टू अदर टू ऑप्शंस। वहीं इस वाले में तो लगभग लगभग पूरा 100% ही पेनिट्रेशन दिखाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स? तो मिनिमम अगर 80% तक तो रहना ही चाहिए अगर आपको अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए। अब इसमें क्या है कि एक टर्मिनोलॉजी आती है वेल्ड पास। कई बार क्या होता है कि ये जो 80% पेनिट्रेशन है वो एक ही बार में अचीव नहीं हो पाता है, ओके okay? हम लोग क्या कहते हैं, चाहे तो फॉरवर्ड वेल्डिंग करा रहे हो या बैकवर्ड वेल्डिंग करा रहे हो, ये बैकवर्ड हो जाएगी और ये फॉरवर्ड हो जाएगी। फॉरवर्ड मतलब ये कि जिस डायरेक्शन में हमारी ये आर्क या फ्लेम जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हो, तो वो कहलाएगी फॉरवर्ड। ये तो ये ऐसे हो गया या ऐसे हो गया, ओके। और बैकवर्ड मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग वेल्डिंग करा रहे हो और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लेम हो, फ्लेम इधर की ओर है और आ रहे हम लोग इधर की ओर, तो ये कहलाता है बैकवर्ड, ओके okay? अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि एक राउंड जब आप लोग वेल्डिंग कराते हो तो 80% तक पेनिट्रेशन या फिर सफिशियंट लेवल तक पेनिट्रेशन नहीं आया होता, जहां तक हमें चाहिए होता है वहां तक पेनिट्रेशन नहीं मिला होता है, तो एक बार फिर से आपको जो टॉर्च है या फ्लेम है उसको एक बार फिर से पूरी लेंथ के ऊपर पास करना पड़ता है, ठीक है ना? मान लिया हमने एक बार जब हम लोग पास करा रहे हैं तो 25% तक पेनिट्रेशन मिल रहा है, तो 80% मेरा टारगेट था, तो 25 25 25 में 3 बार करूंगा तो 75 होगा, फिर एक बार और करना पड़ेगा मुझे, तो 4 बार वेल्ड पास देना पड़ेगा ताकि 80% या उससे ज्यादा हो, ओके। या मान लिया एक बार में मुझे 30% मिल रहा है तो, और 80% तक मुझे जाना है, तो 30 30 30 3 बार मुझे वेल्ड पास देने पड़ेंगे। तो वेल्ड पास क्या होता है, इट इज द सिंगल मूवमेंट ऑफ द वेल्डिंग टॉर्च अलोंग द लेंथ ऑफ ज्वाइंट, ओके, अलोंग द लेंथ ऑफ ज्वाइंट, लेंथ ऑफ ज्वाइंट के अलोंग जो वेल्डिंग टॉर्च का मूवमेंट होता है सिंगल मूवमेंट, उसे हम लोग कहते हैं वेल्ड पास। तो कभी कभी एक ही वेल्ड पास में सफिशियंट पेनिट्रेशन मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है, तो हमें मल्टीपल वेल्ड पास प्रोवाइड कराने पड़ते हैं। अब देखो एक और चीज यहां पर,
अच्छा, ये पेनिट्रेशन के लिए पूछ रहे थे कि पेनिट्रेशन अगर बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेगा। ओके, पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली आपको हीट बढ़ानी होगी। ओके, आपको जो हीट इनपुट है वो हीट इनपुट बढ़ाना होगा पर क्रॉस सेक्शन एरिया पर या पर वॉल्यूम पे आपको हीट इनपुट बढ़ाना होगा। हीट इनपुट आप बढ़ाओगे तो इससे ये पेनिट्रेशन आपको ज्यादा से ज्यादा मिलता है। अब हीट इनपुट कैसे मिलेगा, हीट इनपुट कैसे बढ़ेगा? हीट इनपुट बढ़ाने के लिए अगर हम लोग करंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम लोग करंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस करंट को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, वेल्डिंग करंट को बढ़ाने से हीट बढ़ जाएगी। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये आपने फॉर्मूला सुन रखा है, तो उसमें आई आप बढ़ाओगे तो H अपने आप बढ़ जाएगा। ओके, इसी तरीके से आप अगर जो वेल्ड पास प्रोवाइड करा रहे हो, अगर फास्ट स्पीड से आप मूवमेंट कराओगे, आपको वेल्डिंग करानी है, आप फास्ट स्पीड से ट्रेवल करा रहे हो, तो वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ता जाएगा और काफी कम हीट किसी एक यूनिट वॉल्यूम में काफी कम हीट इकट्ठा हो पाएगी। वहीं अगर आप धीरे धीरे कम स्पीड से अगर आप वेल्ड पास प्रोवाइड करा रहे हो तो किसी एक यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा हीट एकुमुलेट होगी, और इस तरीके से ये भी एक तरीका होता है पेनिट्रेशन को इंक्रीज करने का। तो पेनिट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए आपको हीट इनपुट बढ़ाना होता है। हीट इनपुट बढ़ाने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप करंट बढ़ा दो, ओके, और या तो आप जो वेल्डिंग पास की जो ट्रेवल स्पीड है उस ट्रेवल स्पीड को डिक्रीज कर दो। ट्रेवल स्पीड डिक्रीज होगा तो अपने आप हीट कंसंट्रेशन जो है पर यूनिट वॉल्यूम में जो हीट कंसंट्रेशन वो बढ़ जाएगा और पेनिट्रेशन भी अपने आप इंक्रीज कर जाएगा। ओके, अभी यहां पर एक और टर्मिनोलॉजी आती है, उसे हम लोग कहते हैं ओके। एक ये जो हमारा ये जो गैप है दोनों मेटेलिक प्लेट्स के बीच का जो गैप है, ये गैप रूट के नाम से जाना जाता है। ओके, इस गैप को हम लोग रूट के नाम से जानते हैं। तो रूट क्या होता है, दोनों मेटेलिक प्लेट्स को जितना नजदीक से नजदीक आपने रखा है, वो नियरेस्ट डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस पे आपने रखा है इन मेटेलिक प्लेट्स को ज्वाइन कराने से पहले, वो नियरेस्ट डिस्टेंस कहलाती है रूट। रूट इज द नियरेस्ट डिस्टेंस एट विच द टू मेटेलिक प्लेट्स आर प्लेस्ड बिफोर ज्वाइनिंग। ओके, ये वो नियरेस्ट डिस्टेंस है जितनी दूरी पर रखी गई दोनों प्लेट्स को ज्वाइनिंग से पहले। अब यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो, ये सारे एग्जाम्पल जो आप देख रहे हो, इन सारे एग्जाम्पल्स में रूट जीरो है, जीरो रूट है, एकदम सटा के रखा गया, एकदम चिपका के रखा गया है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, जब हम लोग के पास स्मॉल थिकनेस या मीडियम थिकनेस होती है तब तक आप जीरो रूट रख के भी काम चला सकते हो। ओके, तब तक आप जीरो रूट रख के भी काम चला सकते हो, लेकिन जैसे जैसे ये थिकनेस बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपको रूट देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको मटेरियल आपके पास ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, ज्यादा मटेरियल आपकी थिकनेस ज्यादा है प्लेट की, तो वहां पर आपको क्या कहते हैं वेल्ड बीड जो आप बना रहे हो उस वेल्ड बीड में भी जो मटेरियल हो वो ज्यादा अमाउंट का होना चाहिए। ओके, अभी मैं अगर क्या कर रहा हूं, मेरे पास दो प्लेट्स हैं, ओके, अभी मैंने ये एक ऐसा दो प्लेट्स हैं और ये मैंने एक ऐसा वेल्ड बीड बना लिया।
ओके, अब मेरे पास, मैंने क्या किया, इन प्लेट्स को थोड़ी दूरी पर रख दिया मैंने, और अब ये एक वेल्ड बीट मैंने प्रोड्यूस किया है। इन दोनों की थिकनेस आप देखो, थिकनेस दोनों की एक बराबर ही रखी गई है, लेकिन पे ऑब्वियसली आप लोग बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि ये जो सेकेंड केस जो आप देख रहे हैं, इस सेकेंड केस में, इस वेल्ड बीड में मटेरियल काफी ज्यादा है। ठीक है ना, वेल्ड बीड में मटेरियल ज्यादा है, तो वेल्ड बीड में मटेरियल ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी। तो जैसे जैसे आप थिकनेस बढ़ाते जाते हैं, मेटेलिक प्लेट्स की या बेस मेटल की थिकनेस बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे आपको इस रूट की नीड पड़ती जाती है। अब इसी में क्या होता है कि कभी कभी सिर्फ रूट से काम नहीं चलता है, हमें एक टो भी प्रोवाइड कराना पड़ता है। तो ये क्या है भाई, ये बेस से लेके यहां तक, ये जो सीधी हाइट जो है विदाउट टेपर्ड, कुछ पोर्शन आप देख रहे हैं यहां पर टेपर कर रखा है, तो ये टेपरिंग कराने से पहले जो हाइट है वो हाइट कहलाती है टो। टो जैसे हमारे पैर का अंगूठा होता है, उसी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग कहीं भी खड़े रहते हैं तो हमारे पैर का अंगूठा ये इस टाइप से दिख रहा होता है। ठीक है ना, तो ये जो हाइट है यही आपको टो कहलाती है। तो वैसा ही एक लोगों ले लिया है कि जो भी हाइट है, अभी इसमें क्या है, टो क्यों प्रोवाइड कराना पड़ता है आपको, क्यों टेपरिंग क्यों करानी पड़ती है, ये टेपरिंग कराने का भी पर्पज यही है कि ज्यादा से ज्यादा वेल्ड मेटल इकट्ठा हो, ज्यादा से ज्यादा वेल्ड बीड या जो वेल्ड मेटल जो है वो ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो इस वेल्ड बीड में। आपने अगर अभी इसी में यहां पर जब आप ये पोर्शन पहले से ही चैम्फरिंग करके कट करा के निकाल देते हो, ये इतना पोर्शन पहले से कट करा के निकाल देते हो, तो अब बड़े आसानी से आपके पास छूट हो जाती है कि अब जब वेल्ड बीट बनेगा तो वो इस पोर्शन में भी बनेगा एक्स्ट्रा। ये जो मैं शेडेड रीजन बना रहा हूं, यहां पर भी आपके पास ये वेल्ड बीट आएगा। तो ये सब कुछ अरेंजमेंट इसीलिए रहता है ताकि हमारी वेल्ड बीट की स्ट्रेंथ बढ़ जाए, वेल्ड बीट में जो मटेरियल जो है, मेटल जो है, वेल्ड मेटल, वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हो। तो ये जो हाइट है, ये हाइट, ये वर्टिकल हाइट कहलाती है टो। वर्टिकल हाइट एट द ज्वाइनिंग सेक्शन इज, या फिर एट द रूट इज नोन एज टो। ठीक है दोस्तों, रूट पर जो वर्टिकल हाइट होती है प्लेट्स की वो कहलाती है टो, और इसका पर्पज होता है कि वेल्ड मेटल ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो वेल्ड जोन में, वेल्ड मेटल ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो। अगला इसी में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, डिपोजिशन रेट। डिपोजिशन रेट क्या होता है, डिपोजिशन रेट ये जो हम लोग वेल्ड पास प्रोवाइड कराते हैं, वेल्ड पास जो प्रोवाइड कराते हैं उसकी वजह से जो वेल्ड मेटल इकट्ठा हो रहा होता है
वो वेल्ड मेटल है जो डिपॉजिट हो रहा होता है या इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा होता है, वो जिस रेट से डिपॉजिट होता है वेल्ड मेटल, उसी रेट को हम लोग कहते हैं डिपोजिशन रेट। ओके, द रेट एट विच वेल्ड मेटल इज डिपॉजिटेड पर यूनिट टाइम इज नोन एज डिपोजिशन रेट। ओके, द रेट एट विच वेल्ड मेटल डिपॉजिटेड पर यूनिट टाइम इज नोन एज डिपोजिशन रेट। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी यूनिट केजी पर आवर में होती है। कितना मास का वेल्ड मेटल अगर आप लगातार 1 घंटे तक वेल्डिंग करा रहे हो तो कितने मास का ये वेल्ड मेटल डिपॉजिट हो रहा है, ये कहलाएगा डिपोजिशन रेट। अच्छा, अब लास्ट में यहां पर ये एक पोर्शन आता है। ये देखिए यहां पे ये जो नीचे ये जो ग्रीन वाला पोर्शन था, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन था, और ऊपर जो ब्लू वाला पोर्शन था, इस दोनों को मिला करके हमारा जो रेड वाला पोर्शन बनता है वो कहलाता है वेल्ड बीड कहलाता है। ठीक है, वो वेल्ड बीड कहलाता है। अब इस वेल्ड बीड के बगल में, जस्ट बगल में हमारे पास एक एक बहुत पतला सा जोन होता है जिसे हम लोग कहते हैं हीट अफेक्टेड जोन। ओके, ठीक है दोस्तों, ये रेड कलर से दिख रहा है वेल्ड बीड। अब ये जो हमारे पास, हमने एक ये वायलेट कलर का जो लिया है, ये क्या है? ये है हीट इफेक्टेड जोन। हीट इफेक्टेड जोन हीट इफेक्टेड जोन क्या होता है? ये बेस मेटल में वो सेक्शन होता है जो कि वेल्ड बीड के जस्ट बगल में होता है, जहां पर वेल्ड बीड खत्म हो रहा होता है वहां पर हीट इफेक्टेड जोन स्टार्ट होता है। देखिए होता क्या है कि जब हम लोग हीट प्रोवाइड कराते हैं तो आप जैसे जैसे इस ज्वाइनिंग सेक्शन से अवे साइड में मूव करते हो, ये जो ज्वाइनिंग सेक्शन है जहां पर ज्वाइंट बनाना है, उससे जैसे जैसे आप दूर चलते चले जाते हो, वैसे वैसे पर यूनिट वॉल्यूम में हीट कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाता है। ओके, जो सबसे नजदीक आप रहोगे जहां पर ज्वाइंट है उसके सबसे नजदीक आप रहते हो, 1 मिलीमीटर इधर 1 मिलीमीटर इधर, इसे मान लीजिए ये है आपके पास प्लेट्स हैं, ओके ये प्लेट्स हैं आपके पास, इस प्लेट्स में आप जस्ट बगल में जब देखोगे, तो यहां पर आपको हीट कंसंट्रेशन काफी ज्यादा मिलेगा। उसके बाद उसके और आगे बढ़ते हो, थोड़ा दूरी पे जाते हो, तो उस रेड वाले डॉटेड लाइन के कंपैरिजन में इस ब्लैक वाले डॉटेड लाइन पे हीट कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। अब जब इस ब्लू वाले डॉटेड लाइन पे आओगे तो और भी कम हो जाएगा। जैसे जैसे आप इस
ये जो वेल्डिंग सेक्शन है जहां पर वेल्डिंग करानी है, उससे जैसे जैसे आप दूर होते जाते हो वैसे वैसे हीट कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट एरिया डिक्रीज होता जाता है। अब होता क्या है कि वेल्डिंग जोन में इतनी सफिशियंट हीट होती है कि मेटल मेल्ट कर जाए। ओके, वेल्डिंग जोन में इतनी सफिशियंट हीट होती है कि मेटल मेल्ट कर जाए। अब ये मेल्टिंग होने के बाद, वेल्डिंग जोन में इतनी सफिशियंट हीट होती है कि ये मेटल मेल्ट कर जाए, उसके बाद जहां पर मेल्टिंग खत्म हो रही होती है, जिस जगह पर इतनी हीट ना हो कि मेल्टिंग हमें खत्म करनी पड़े, ठीक है, जिस जगह पर इतनी हीट ना हो कि हमें ये मेल्टिंग खत्म करानी पड़ जाए, मतलब हमें खत्म क्या करानी पड़ जाए, वो अपने आप खत्म हो रही हो, उस जगह पर भी ऐसा नहीं होता है कि वहां पर भी उस हीट का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। जहां पर मेल्टिंग खत्म हुई वहां पर हमें एक पतला से एक सेक्शन ऐसा मिलता है जिसका टेम्परेचर सफिशियंटली इंक्रीज हो गया होता है। ओके, जैसे कि ये जो आपको हीट एपिटेट जोन जो मिल रहा है, ये इस सेक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा डेफिनेटली, और इतना इंक्रीज हुआ होगा कि यहां पर कुछ माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं। देखो होता क्या है, अभी हम लोग आगे जब हम लोग वो पढ़ेंगे, फॉर्मिंग पढ़ेंगे, तो फॉर्मिंग में हम लोग एक टेम्परेचर पढ़ते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, होता क्या है कि आप लोग किसी भी मेटल को, जब आप लोग अपने घर में भी चाहें तो आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि किसी चम्मच वगैरह को आप गर्म करना शुरू कीजिए, कपड़े से पकड़ लीजिए चम्मच को और उसको गर्म करना शुरू कीजिए। ओके, तो ऑब्वियसली आप जब आधे एक घंटे तक चम्मच को रखोगे गर्मी में, मतलब ये हीट के सामने, आग के सामने रखोगे, तो वो ऑब्वियसली थोड़ी देर बाद पिघलेगा। लेकिन फिर पिघलने से बहुत पहले ही एक स्टेट ऐसी आती है जब कोई भी मेटेलिक कंपोनेंट पिघलने से बहुत पहले एक ऐसी स्टेट आती है जब वो सॉफ्ट हो जाता है। तो सॉफ्ट क्यों हुआ? वो इसी वजह से सॉफ्ट होता है क्योंकि उसके क्रिस्टल्स जो होते हैं वो दूसरा स्ट्रक्चर अचीव कर चुके होते हैं और उस मटेरियल का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आ चुका होता है। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जनरली मेल्टिंग पॉइंट के 1/3 से 1/2 के बीच में होता है। जैसे किसी मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट अगर 1500 डिग्री सेल्सियस है तो उसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर 500 से 700-800 के बीच में होगा। तो जब आप लगभग 600 डिग्री सेल्सियस पे आप पहुंचे तो आप ये सब देखोगे कि वो मटेरियल के जो क्रिस्टल्स है वो रिक्रिस्टलाइज हो रहे होते हैं, इधर उधर हो गए होते हैं, और वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। और जनरली मैक्सिमम मेटल्स के साथ ऐसा होता है कि उनको हीट देने पर क्रिस्टल्स कुछ इस तरीके से चेंज होते हैं, क्रिस्टल्स कुछ इस तरीके से चेंज होते हैं कि सॉफ्टनेस आती जाती है मेटल्स में, ठीक है ना। तो ये हीट अफेक्टेड जोन एक ऐसा जोन है दोस्तों जहां पर इतनी हीट तो नहीं है कि मेटल मेल्ट कर जाए, लेकिन हाँ इतनी हीट है कि रिक्रिस्टलाइजेशन हो गया होता है क्रिस्टल्स का। वहां पर जो उस जोन में जो क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो गया होता है और इसी चेंज की वजह से प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। और जनरली क्या होता है, प्रॉपर्टी खराब होती है, चेंज होकर के अच्छी नहीं होती, चेंज होकर खराब होती हैं। स्ट्रेंथ जो होती है जनरली खराब होती है, वीक होती जाती है। इस हीट अफेक्टेड जोन की स्ट्रेंथ जो होगी वो खराब होगी, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या किया, हमने तो बनाया था ये ज्वाइंट, बनाया था ये सोच करके कि बहुत अच्छी स्ट्रेंथ यहां पर हमें मिलने वाली है, लेकिन पे उस ज्वाइंट के जस्ट बगल में एक ऐसा पोर्शन आ जाता है जिसका कहते हैं क्या नाम है, जिसकी स्ट्रेंथ कम होती है उस ज्वाइंट से, ठीक है दोस्तों, स्ट्रेंथ कम होती है इस ज्वाइंट से। और अगर मैं इस पूरे सिस्टम पे लोड लगा रहा हूं, अगर मैं इस पूरे सिस्टम पे लोड लगा रहा हूं, यहां पर भी और यहां पर भी,
अगर सेम अमाउंट का लोड तीनों पर लग रहा है तो इस जगह से ब्रेक होने के चांसेस काफी बड़ा बन गया ये, इसलिए कंफ्यूजन हो सकती लोगों को। ठीक है, इन तीनों की हाइट, सबकी हाइट एक बराबर रखेंगे, उससे ये लगेगा कि हाँ लोड सेम है। सेम लोड अगर आप लगा रहे हो तो हीट इफेक्टेड जोन सबसे वीकर जोन होता है, सबसे वीक होता है, और यहां से ब्रेक होने के चांसेस सबसे हाई होते हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हो, हीट इफेक्टेड जोन इज द सेक्शन ऑफ बेस मेटल या एरिया ऑफ बेस मेटल विच इज नॉट मेल्टेड, विच इज नॉट मेल्टेड बट इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज सफिशियंटली, बट इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज सफिशियंटली सच दैट इट्स माइक्रो स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज चेंज्ड, ओके, सच दैट इट्स माइक्रो स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि हीट इफेक्टेड जोन वो सेक्शन होता है वर्क मेटल का जो कि जिसमें कि माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंजेस आए होते हैं लेकिन मेल्टिंग नहीं हुई होती है। माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंजेस तो हुए लेकिन मेल्ट नहीं किया जिस सेक्शन में, वो सेक्शन है हीट इफेक्टेड जोन। अब ऑब्वियसली इस हीट इफेक्टेड जोन को अगर हमें बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हीट बढ़ा देंगे या थर्मल कंडक्टिविटी, ज्यादा अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी वाला मटेरियल यूज करेंगे तो भी कहते हैं ये ही हीट इफेक्टेड जोन बढ़ेगा। तो अगर डिक्रीज करना है, डिक्रीज करने के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ेगा या करंट कम करनी पड़ेगी और थर्मल कंडक्टिविटी भी कम करना पड़ेगा। तो ये सब इसके कुछ ऑप्शंस हैं। तो ये हो गई हमारी टर्मिनोलॉजी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है वेल्डेबिलिटी। क्या है? हाँ, वेल्डिंग कराने की जो एबिलिटी होती है दोस्तों, एबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं, इजीनेस विद विच एनी मटेरियल कैन बी वेल्डेड इज नोन एज वेल्डेबिलिटी। ओके, इट इज द इजीनेस विद विच एनी मटेरियल कैन बी वेल्डेड। फ्रेंड्स, जितनी आसानी से आप किसी मटेरियल को वेल्ड कर सकते हो, वही जो लेवल है वो लेवल कहलाता है, वेल्डेबिलिटी कहलाता है। अब अगर किसी मटेरियल को हम लोग बड़ी आसानी से वेल्ड कर सकते हैं तो वो कहलाएगा, वो उसकी वेल्डेबिलिटी अच्छी है, ऐसा कहलाएगा। और वही एल्युमिनियम जैसे मटेरियल्स जो कि बड़ी आसानी से ऑक्साइड फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर मिला नहीं कि तुरंत ऑक्साइड बनाना शुरू, ठीक है? तो ऐसे मटेरियल्स की वेल्डिंग करानी बहुत डिफिकल्ट होती है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं कि इनकी वेल्डेबिलिटी बहुत खराब है। ओके, तो यहां पर अगर देखें हम लोग, आप लिखी लीजिए इसकी डिफिनेशन, बहुत जगहों पे पूछा जाता है। ओके, इट कैन बी डिफाइंड एज द इजीनेस विद विच एनी मटेरियल कैन बी वेल्डेड। अगर हम लोग वाइडली यूज्ड होने वाले इंजीनियरिंग मटेरियल्स में कंपेयर करें,
इनकी वेल्डेबिलिटी, जैसे जैसे आप कार्बन कंटेंट आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये आयरन में, जैसे जैसे आप कार्बन कंटेंट बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे उसकी वेल्डेबिलिटी खराब होती जाती है। तो जब लो कार्बन स्टील यूज कर रहे हो तो उसकी वेल्डेबिलिटी सबसे अच्छी है, मीडियम कार्बन स्टील पे आए तो थोड़ी खराब हो गई, थोड़ा और आपने बढ़ाया कार्बन कंटेंट हाई कार्बन स्टील पे आए तो और भी खराब वेल्डेबिलिटी हो गई। फिर वहां से लो एलॉय स्टील, वहां से कास्ट आयरन पे आप पहुंचते हो तो वेल्डेबिलिटी और भी खराब हो चुकी होती है, और कास्ट आयरन से भी खराब होती है एल्यूमिनियम की। ओके, ये जो पांच हैं इन पांचों में तो आप, ये चार तो पहले स्टील है और आपने बढ़ाया कार्बन कंटेंट तो ये कास्ट आयरन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो जैसे जैसे आप कार्बन कंटेंट बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे ये मटेरियल की, कार्बन कंटेंट बढ़ने की वजह से वेल्डिंग कराने में दिक्कत आती है, कार्बन फ्लेक्स आने लगते हैं, तो ये रीजन है इनके खराब होने का। बाकी एल्युमिनियम की वेल्डेबिलिटी क्यों खराब है इसका रीजन अलग है, एल्युमिनियम में कोई कार्बन नहीं है, एल्युमिनियम की वेल्डेबिलिटी खराब होने का रीजन ये है कि इसका ऑक्साइड फॉर्मेशन का टेंडेंसी बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से ये जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर मिलता है तो तुरंत ही ये ऑक्साइड बनाने लग जाता है, और ऑक्साइड बनने की वजह से फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिना, एल्युमिनियम जहां दुनिया के सबसे सॉफ्ट मटेरियल्स में से माना जाता है, वही एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो दुनिया के सबसे हार्ड मटेरियल्स में से एक होता है। तो प्रॉपर्टी अचानक से चेंज होने लगती है और फिर ये प्रॉब्लम आने लगती है हमें, हम लोग वेल्डिंग नहीं करा पाते हैं, बहुत दिक्कत होती है वेल्डिंग कराने में। ठीक है, तो ये सर, क्वेश्चन अक्सर फेरस पूछा नॉन जाता है फेरस का भी कि होता होगा ना, कुछ हाँ फेरस नॉन फेरस का, जैसे एल्यूमिनियम नॉन फेरस है उस वजह से, मतलब नहीं, उस वजह से नहीं होता ये। हाँ सर नॉन फेरस वैसे कम वेल्डेबिलिटी शो करते हैं। बाकी यहाँ एल्युमिनियम का जो मेन रीजन है, एल्युमिनियम मैग्नीशियम, ये लोग क्या करते हैं, इनकी ऑक्साइड फॉर्मेशन टेंडेंसी की वजह से ऐसा होता है। तो ये हमें बस याद रखना है कि भाई कौन सा मटेरियल सबसे खराब वेल्डेबिलिटी शो करता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, वो है एल्युमिनियम। ओके, तो ये कुछ बेस हो गया। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग वन बाय वन, हम लोग एक एक सेक्शन को देखते जाते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अभी थोड़ा सा समय की भी पाबंदियां हैं, तो एक सबसे छोटा सेक्शन है उसको हम लोग उठाते हैं, ये है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है, इस पे हम लोग लैप जॉइंट बनाते हैं, थिन मेटेलिक शीट्स के लैप जॉइंट बनाते हैं। ओके, ये इस तरीके से हम लोग ये थिन मेटेलिक शीट्स के लैप जॉइंट बनाते हैं।
ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इन इलेक्ट्रोड्स को ऊपर नीचे से हम लोग लेकर के आते हैं, और ये इलेक्ट्रोड्स ये इस टाइप के कुछ इलेक्ट्रोड होते हैं। ये इलेक्ट्रोड नीचे ऊपर से यहां पर प्रेशर देते हैं, पहले तो आके ये कनेक्ट होते हैं और फिर हम लोग मशीन को ऑन करते हैं, तो उससे क्या होता है, अचानक से ये एक करंट प्रोवाइड होती है, और ये करंट, ये पूरी सर्किट जो कि कांटेक्ट में रहती है, ये दोनों कांटेक्ट में जब आ गए होते हैं, तब हम लोग अचानक से काफी हाई इंटेंसिटी के करंट फ्लो कराते हैं। उसमें ये जो फॉर्मूला है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इस फॉर्मूले के बेसिस पे हीट प्रोड्यूस होती है, और यहां पर जहां पर ये ज्वाइंट होता है, इस जगह पर अंदर ही अंदर, इन प्लेट्स के अंदर ही अंदर एक ज्वाइंट फॉर्मेशन होता है। वो ज्वाइंट फॉर्मेशन एक्चुअली में तो वो ज्वाइंट फॉर्मेशन एक सर्कुलर शेप का होना चाहिए, ठीक है। आइडियली अगर देखा जाए तो वो ज्वाइंट फॉर्मेशन तो एक सर्कुलर शेप होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस पे हमने प्रेशर लगा दिया होता है ऊपर नीचे से, तो वो दब करके एक सिलेंडर जैसा कुछ बन जाता है। ठीक है दोस्तों, दब करके एक सिलेंडर जैसा कुछ बन जाता है, जिसका एक डायमीटर होता है और एक हाइट होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अंदर ये जो ज्वाइंट फॉर्मेशन जो हुआ है, इस ज्वाइंट को हम लोग यहां इस रेजिस्टेंस वेल्डिंग में खास तौर पे नगेट के नाम से जानते हैं। इसको एक अलग नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पूरी तरीके से सिर्फ अंदर ही अंदर होता है, ठीक है ना। इस प्लेट्स में अंदर ही अंदर ये ज्वाइंट फॉर्मेशन हुआ होता है, ऊपर की टॉप सरफेस पे। यहां पर इस रेजिस्टेंस वेल्डिंग में कोई आपको पेनेट ये रीइन्फोर्समेंट जैसी कोई चीज नहीं मिलती है, ठीक है ना। ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन आकर के नहीं इकट्ठा होता है जैसा प्रीवियस केसेस में था, इसीलिए इस ज्वाइंट को हमने एक अलग नाम दिया, इसको नगेट बोला है, वेल्ड नगेट बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस वेल्डिंग में ही ज्वाइंट को नगेट के नाम से बुलाते हैं हम लोग, और कहीं पे नहीं बुलाते हैं, ठीक है ना। अब इस नगेट का एक डायमीटर होता है, ये वैसे तो होना चाहिए था स्फेरिकल शेप का, लेकिन पे प्रेशर लगने की वजह से, दब जाने की वजह से सिलेंडरिकल शेप में आता है। तो इस नगेट की एक हाइट होती है और इस नगेट का एक डायमीटर होता है, ठीक है दोस्तों। ये डेटा आपको कई बार दिया रहता है और इसका हम लोग यूज करते हैं। बाकी देखो, यहां पर इस डेटा का इस्तेमाल करके हम लोग कई बार क्या करते हैं, वॉल्यूम भी निकालते हैं। तो पाई बाई 4 d² h, ऐसा करने से वेल्ड नगेट का वॉल्यूम मिल जाता है। वॉल्यूम मिल गया, उसमें डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दूं, वॉल्यूम में, तो मास मिल जाएगा मुझे, ठीक है दोस्तों। मास मिल जाएगा, तो अगर मुझे ये पता रहे कि इतने मास को मेल्ट कराने के लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, मतलब यूनिट मास को मेल्ट कराने के लिए, लेट अस सपोज 1 ग्राम को मेल्ट कराने के लिए मुझे कुछ मान लिया कि 1000 जूल मुझे चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो नगेट आया मेरे पास, ये नगेट कितना आया, लेट अस सपोज 0.5 ग्राम का आया, तो इसके लिए मुझे कितनी हीट चाहिए होगी, तो 1 ग्राम के लिए 1000 जूल चाहिए, तो आधे ग्राम के लिए मुझे 500 जूल चाहिए होगी, 0.3 ग्राम के लिए 300 जूल हीट चाहिए होगी। इस टाइप से हम लोग कितनी हीट रिक्वायर्ड है इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग यहां पर ये सीख लें कि देखिए, इस रेजिस्टेंस वेल्डिंग में 4 टाइप होते हैं, एक तो स्पॉट वेल्डिंग, दूसरा सीम वेल्डिंग, तीसरा प्रोजेक्शन वेल्डिंग, और एक चौथा हम लोग देखते हैं, वो है फ्लैश बट वेल्डिंग। तो स्पॉट वेल्डिंग अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। स्पॉट वेल्डिंग में सिंपली क्या करते हैं, हम लोग दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं,
जनरली कॉपर के इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, कॉपर के इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि कॉपर सस्ता होता है, इसलिए करते हैं भाई। अगर चांदी का या सोने का इस्तेमाल करोगे तो लोग इलेक्ट्रोड खोल के लेके चले जाएंगे, ठीक है ना? प्रेशर अप्लाइड बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स एंड देन और फिर हाई इंटेंसिटी की करंट प्रोवाइड की जाती है, एंड देन हाई इंटेंसिटी करंट प्रोवाइडेड, ओके, हाई इंटेंसिटी की करंट प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से ये जो फॉर्मूला है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए एक हीट जनरेट होती है और उसी हीट से वेल्ड नगेट बनता है। यहां पर H है हीट, I है करंट, R इज व्हाट? रेजिस्टेंस, और T है वो टाइम, जितने टाइम के लिए करंट का फ्लो किया गया, ठीक है दोस्तों? यहां पर देखिए, ये जो जनरली जनरली आपको ये हीट जूल में मिलती है, ठीक है, हीट जूल में मिलती है। करंट जो होती है वो लगभग कुछ कुछ हजार एम्पियर में मिलती है, 5,000, 8,000, 10,000 एम्पियर में, इसीलिए 10³ एम्पियर लिखा हुआ है, ठीक है ना? इन द रेंज ऑफ या इसको ऐसे लिख लेते हैं, ज्यादा सही पड़ेगा सबके लिए। 10³ से 10⁴ तक 1,000 एम्पियर ज्यादा और 10,000 एम्पियर से कम की करंट यहां पर यूज की जाती है। नॉर्मली 5-6,000 एम्पियर के आसपास की करंट यहां इस स्पॉट वेल्डिंग में यूज होती है। रेजिस्टेंस जो यूज होता है वो माइक्रो ओम में होता है। जनरली आपको रेजिस्टेंस माइक्रो ओम में देखने को मिलता है, और टाइम, वो जो करंट फ्लो का जो टाइम होता है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होता है। जीरो पॉइंट वन सेकेंड से जनरली 0.5 सेकेंड तक करंट फ्लो कराया जाता है। 1 सेकेंड के भी किसी टुकड़े में ही 1 सेकेंड से भी कम टाइम तक करंट फ्लो होता है। अब अगर देखिए, क्वेश्चन में कहीं लिख दे कोई, क्वेश्चन बनाने वाला वो इतने डिटेल में ना जाए, अगर कहीं कोई लिख दे कि भाई लेट अस सपोज 2 सेकेंड तक करंट फ्लो हो रही है और स्पॉट वेल्डिंग करा रहे हैं, तो अब कोई लिख दिया भाई 2 सेकंड, तो अब अपने उसी हिसाब से काम चलाएंगे, क्या कर सकते हैं, उसी डेटा का यूज करेंगे, लेकिन फिर रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। लेकिन हमारा तो मेन टारगेट होता है भाई नंबर लेना, नंबर लेके आगे बढ़ना। इंटरव्यू में अपने देखते हैं, इंटरव्यू में अपने किसी को बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन गलत है, आप गलत पूछ रहे हो, लेकिन फिर रिटेन में क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जैसा डेटा वो दिया होगा वैसा हमें करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। अब देखो, यहां पर एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, ये रेजिस्टेंस किसका रेजिस्टेंस होता है? रेजिस्टेंस ये जो आप देख रहे हो, ये रेजिस्टेंस
किसका होता है? क्या वो रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रोड्स का होता है, या वो रेजिस्टेंस ये जो प्लेट्स हैं उनका होता है, या जो यहां पर जो आपका पूरा जो सर्किट बना हुआ है, सर्किट में जो वायर वगैरह है उसका रेजिस्टेंस होता है, या एयर का रेजिस्टेंस है? कोई बताएगा क्या? नहीं, दो प्लेट के बीच का रेजिस्टेंस। प्लेट तो मेटल की है ना बेटा, प्लेट तो मेटल की है, तो वो कंडक्टर होगी ना, तो वो तो कंडक्ट कराएगी, रेजिस्ट थोड़े करेगी। हेलो, आवाज आ रही मेरी? सर एक बार और पूछिए। ये जो रेजिस्टेंस होता है ये किसका रेजिस्टेंस होता है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो रेजिस्टेंस वर्ड जो यूज होता है किसका रेजिस्टेंस होता है? सर इंटरनल रेजिस्टेंस, हाँ, रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स। ओहो, वही तो मैं पूछ रहा था भाई, चार ऑप्शन में दे रहा हूं आपको। क्या वो इलेक्ट्रोड्स का रेजिस्टेंस है, क्या वो प्लेट्स का रेजिस्टेंस है, क्या वो जो वायर लगी हुई जो पूरा सर्किट बना हुआ है उस वायर्स का रेजिस्टेंस है, और या फिर एयर का रेजिस्टेंस है? सर इलेक्ट्रोड्स, सर प्लेट का रेजिस्टेंस है जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होगा और प्लेट प्लेट पिघलेगा सर, और दोनों आपस में वेल्ड हो जाएंगे। अरे बाबा, तो पहले तो रेजिस्टेंस किसका है तो ये बताओ। सर प्लेट तो आई इलेक्ट्रोड्स जैसे कि, अच्छा एयर, इलेक्ट्रोड भी तो मैंने आपको बताया कि कॉपर का इलेक्ट्रोड है, कॉपर सर का इलेक्ट्रोड 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 एक था। ये इलेक्ट्रोड भी हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोड भी कॉपर का है, तो कॉपर भी तो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, तो जो कंडक्टर है वो रेजिस्टर थोड़े बन जाएंगे। देखिए दोस्तों, होता क्या है, यहाँ पर हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए, कोई भी जो प्लेट होती है, आप दुनिया में कोई भी प्लेट होगी या कोई भी सरफेस जो आप देखते हो, जैसे मान लीजिए यही व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड देखने में तो एकदम स्मूथ है, ठीक है ना, लेकिन जब आप इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखोगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब आप इसे देखोगे तो उसमें क्या पता चलेगा आपको, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने पे इसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स आपको पता चलेंगे, देखने को मिलेंगे। ये कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स होंगे, बाकी ये इसकी थिकनेस है। ऐसे ही जो दूसरी प्लेट है उसमें भी कुछ अप्स एंड डाउन्स होंगे। ठीक है, तो ये जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं किन्हीं भी प्लेट्स में, इसके बीचों बीच में ये कुछ हवा भरी रहती है, एस्पेरिटीज, ये जो छोटी छोटी जो जगह बची हुई है इसमें हवा भरी रहती है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब आप देखोगे तो ये जो एस्पेरिटीज हैं, इन एस्पेरिटीज में जो छोटे छोटे जो स्पेस, छोटा सा जो स्पेस है, इस छोटे से स्पेस में एयर भरी रहती है, और एयर आप इसको लिख लीजिए, एयर इन द एस्पिरिटीज। एयर प्रेजेंट इन एस्पिरिटीज बिटवीन टू मेटेलिक प्लेट्स। इन दोनों मेटेलिक प्लेट्स के बीच में कुछ एयर, छोटे छोटे जो मतलब कि छोटी छोटी जो हल्की हल्की जिस जगह होती है उस जगह में एयर प्रेजेंट रहती है, और उसी एयर का रेजिस्टेंस होता है ये। जो आर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इसी एयर का रेजिस्टेंस होता है। बाकी इलेक्ट्रोड भी कॉपर का बना हुआ है,
प्लेट्स भी जो है वो भी मेटल की होती हैं, वायर्स भी जो होती हैं वो भी मेटेलिक वायर्स होती हैं, तो ये सब जब मेटल के हैं तो ये तो अच्छे कंडक्टर होंगे करंट, ये लोग तो ये लोग अच्छा कंडक्ट कराएंगे, ठीक है ना, करंट के और हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं मेटल्स तो, और उसमें से ये ऐसे मेटल तो ये तो कभी भी आपको रजिस्टर नहीं होंगे इसमें। यहाँ जो ये जो एयर प्रेजेंट होती है इसी यही एयर रेजिस्टेंस शो करती है जिसकी वजह से ये हीट प्रोड्यूस होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इंटरव्यू में भी कई जगहों पे पूछा जाता है और रिटन में भी एग्जाम में भी कई जगहों पे पूछा जा चुका है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग का रेजिस्टेंस कैसे आता है, कौन प्रोवाइड करता है, वो एयर की वजह से आता है। एयर कहाँ से आई, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो छोटे छोटे जो हल्के हल्के से गैप रहते हैं, कई बार वो गैप हमें अपने नॉर्मल आई से दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लिया कि मैंने ये इस मेटल, ये जैसे मान लीजिए मेरा मोबाइल है, ठीक है, इस मोबाइल के ऊपर मैंने ये प्लेट इस मोबाइल के ऊपर मैंने ये कवर, ये इसका कवर मैंने चढ़ा दिया, ठीक है, ये इसके ऊपर मैंने इसका कवर चढ़ा दिया, लेकिन पे इसमें ऐसा नहीं है कि अब ये इस अब यहाँ पे मैंने कवर चढ़ा दिया है, यहाँ पे देखने पे एकदम ऐसा लग रहा है हमें कि हाँ भाई एकदम ये दोनों एक दूसरे से टच हो रखे हैं, लेकिन पे ऐसा नहीं है कि इनके बीच में वैक्यूम क्रिएट हो गया है, ओके, अभी भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर इनके बीच में है, इन दोनों लेयर्स के बीच में कुछ अमाउंट ऑफ एयर होगी, और ऐसा ही जब दो प्लेट्स को हम लोग टच कराते हैं तो भी होता है, तो उसमें जो थोड़ी सी एयर रह जाती है उसी एयर का रेजिस्टेंस यहाँ पर इस आर की जगह पे वही रेजिस्टेंस आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देखिए कई बार कई जगहों पे ये भी पूछा जाता है कि किस रेंज में होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में या स्पॉट वेल्डिंग में करंट किस रेंज में होता है, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम बनाने वालों का, तो ये लगभग 4,000-5,000 की रेंज में होता है, ठीक ना फ्रेंड्स, 1,000 वाली रेंज में होता है, आप इसको 100 वाली या लाख वाली रेंज में टिक नहीं करोगे, और बल्कि 1,000 में भी 10,000 से ऊपर वाली रेंज में नहीं, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 5 वाली रेंज में नहीं, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 4 वाली रेंज में इसका आंसर होता है। अब यहां पर एक चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वेल्ड नगेट का वॉल्यूम हम लोग निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ नगेट, ओके, उसके बाद डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें तो मास आ जाता है, मास ऑफ नगेट आ जाता है आपके पास, और हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास आपको पता रहती है, उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल हीट रिक्वायर्ड मिल जाती है आपको। अब यहां पर कितनी हीट आप दे रहे हो, हीट आप जो दे रहे हो, हीट सप्लाई जो है वो एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से आपकी हो रही है, कितनी हीट आप दे रहे हो सिस्टम को, तो वो यहां से आपका आ रहा है, ओके, हीट रिक्वायर्ड मुझे जो चाहिए वो ये जो मास आया है मेरे पास एम, और हीट पर यूनिट मास, हीट इनका मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास एच आर आ जाएगा, ओके, वही ये जो हीट सप्लाइड है वो इससे आता है, एच एस इससे आता है। अब यही हीट रिक्वायर्ड बाई हीट सप्लाई, ये जो रेशियो है ये क्या होता है, ये मेल्टिंग एफिशिएंसी होती है, ठीक है फ्रेंड्स, हीट रिक्वायर्ड बाई हीट सप्लाई जो होती है हमारे पास, एक यहां पे टर्म आता है मेल्टिंग एफिशिएंसी,
होता है ये भाई? अच्छा हीट रिक्वायर्ड बाई हीट सप्लाइड इनटू 100, ठीक है, ये हो गई मेल्टिंग एफिशिएंसी। अब देखो इसमें ये जो हीट रिक्वायर्ड निकालने का एक और तरीका हो सकता है, या तो आपको डायरेक्ट दे दे कि भाई पर यूनिट मास के लिए कितनी आपको मेल्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए, कुछ ऐसा दे दे डेटा, और या फिर तो कुछ ऐसा तरीका भी हो सकता है ये हीट रिक्वायर्ड निकालने के लिए हम लोग। जो मास था और ये एच पर यूनिट मास भी, या तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, और एक और तरीका होता है हमारे पास, उसमें एमसी डेल्टा टी से भी आपको हीट रिक्वायर्ड मिल जाती है। आपको मास पता चल गया कितना मास है वेल्ड नगेट का, इसकी स्पेसिफिक हीट दे देता है, और जो मटेरियल का वेल्ड नगेट बन रहा है, वेल्ड मेटल जिस मटेरियल का बन रहा है उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर दे देता है, ठीक है ना, और रूम टेम्परेचर दे देता है। जैसे कह दिया कि मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर 1440 है और रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो डेल्टा टी हो गया 1400 डिग्री सेल्सियस का। फिर सी दे दिया है और एम आपको पता चल गया है, तो वहां से आप एम सी डेल्टा टी निकाल सकते हो। ओके, कभी कभी इसी में आपको लैटेंट हीट का भी इस्तेमाल करने के लिए कह देता है। कभी कभी जब आप एम सी डेल्टा टी यूज करोगे केवल, तो वो जो कैलकुलेशन होगी वो थोड़ी इनएक्यूरेट होगी, पूरी तरीके से एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं होगी, लेकिन जब आप लैटेंट हीट भी यूज कर लेते हो तो वो पूरी तरीके से एक्यूरेट कैलकुलेशन होती है, और उसको करने के लिए आपको दोनों चीजें पता रहनी चाहिए, सी भी पता होना चाहिए और एल भी पता होना चाहिए और डेल्टा टी भी पता होना चाहिए, ठीक है ना, तब जाकर के आप टोटल हीट रिक्वायर्ड निकाल पाते हो। लेकिन मैं देखो क्या है कि अगर क्वेश्चन में एल नहीं दे रखा है, लैटेंट हीट नहीं दिया है, तो अपने क्या करेंगे, ठीक है छोड़ देंगे, अपने सिर्फ सी से काम चला के एमसी डेल्टा टी यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो कई बार कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हम लोग को पूछे जा चुके हैं। आइए क्वेश्चन जरा लगा के बताइए मुझे, छोटा सा क्वेश्चन है, क्लास है क्या आप लोगों की आज? क्लास है क्या स्टूडेंट्स आपकी आज? नो सर, नो सर। टू शीट्स हैं हमारे पास जिनकी ज्वाइनिंग करानी है, थिकनेस है 1 मिलीमीटर की, करंट फ्लो रेट 5000 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 200 माइक्रो एम्पियर, टाइम है 0.2 सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स आपको यहां पर बताना है कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। थिकनेस है 1 मिलीमीटर की, ओके, करंट 5000 एम्पियर, रेजिस्टेंस 200 माइक्रो ओम और टाइम 0.2 सेकेंड, बताइए। बताइए स्टूडेंट्स क्या होगा आंसर इसका?
1000 क्या 1000? वन थाउजेंड है क्या? अच्छा ठीक, 1000 क्या यूनिट क्या है? सर, 1000 किलो जूल सर, एम्पियर स्क्वायर ओम किलो जूल सर, किलो किलो जूल, जूल्स में, सर जूल्स में 1000 जूल, जूल होगी ना डियर, बताया था आपको पिछले जूल जूल सर। ही पेज पे, आपको बताया कि ये देखो ये एम्पियर में, ये माइक्रो ओम में दिया रहता है, इसको आपको ओम में चेंज करना पड़ता है, और ये सेकेंड है, ठीक है ना? तो ये जब डेटा ऐसा यूज करोगे तो ये जूल में आएगी हीट आपके पास, सर 1000 जूल आ रही है। ठीक है? ये हो गया 25 × 10^6, ये हो गया 200, और ये हो गया 0.2 × 10^-6। ये 10^-6, ये 10^6 कैंसिल हो गया, और ये 25 और 200, ये हो गया 5000। 5000 × 0.2 ये हो गया 1000। और स्टूडेंट्स ये जो आंसर आता है ये जूल में आता है, आप लोग याद रखिएगा। आपके जो माइक्रो ओम जो दिया रहता है इसको आपको ओम में चेंज करना पड़ता है, ठीक है? तो जब आपने एम्पियर ओम और सेकेंड का मल्टीप्लाई करते हो, एम्पियर ओम और सेकेंड का मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों आप लोग, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो जूल में मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना? अगर अरे मेरी आपने कोई, माइक्रो ओम में ही कर दिया, अगर आपने माइक्रो ओम में ही कर दिया तो फिर आपको सर क्या एम्पियर कहते हैं, स्क्वायर आएगा ना, हाँ, अगर आपने माइक्रो ओम में कर दिया तो वो मेगा जूल में आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना? एम्पियर स्क्वायर। यस सर, वो प्रॉब्लम तो ये आपको, अच्छा हाँ, एम्पियर का स्क्वायर, सही कह रहे हो, एम्पियर स्क्वायर, ठीक है? तो ये आपका आंसर करेक्ट आंसर हो गया। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, उसमें आपको सारी टेस्टिंग हो जाएगी, अभी तक जितना कुछ बताया सब कुछ उसमें टेस्ट हो जाएगा। एक हमारे पास शीट, मतलब दो हमारे पास शीट हैं जिनकी थिकनेस, अच्छा एक बात का और खास ख्याल रखना होता है, पूछ लेते हैं, ये जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग करा रहे हैं इसमें कितनी थिकनेस तक की प्लेट्स या शीट्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो कितनी थिकनेस तक हम लोग स्पॉट वेल्डिंग या रेजिस्टेंस वेल्डिंग कराते हैं, तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मिलीमीटर तक आप जाओगे, ठीक है ना? रियल लाइफ में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मिलीमीटर तक की थिकनेस की जो हमारे पास शीट्स होती हैं, उन्हें हम लोग, उनकी हम लोग स्पॉट वेल्डिंग कराते हैं, ठीक है ना? शीट की हम लोग वेल्डिंग कराते, स्पॉट वेल्डिंग कराते हैं, प्लेट की नहीं, ठीक है? तो 6 मिलीमीटर से ऊपर प्लेट आ जाती है और 6 मिलीमीटर तक शीट बोला जाता है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है। ये आ गया थिकनेस इन दोनों शीट्स की। यहां पर हम लोगों को जो वेल्ड नगेट जो मिल रहा है इन दोनों शीट्स के बीच में, जो वेल्ड नगेट जो बन रहा है, उस वेल्ड नगेट का डायमीटर है 5 मिलीमीटर का और हाइट है 1.5 मिलीमीटर की, और डेंसिटी है 8000 kg पर मीटर क्यूब की, ओके? बिल्कुल भी कहीं से कंफ्यूज मत होइएगा, ये मिलीमीटर है हाइट और डायमीटर, और डेंसिटी है केजी पर मीटर क्यूब में,
अब यहां पर टाइम ऑफ करंट फ्लो जो है, टाइम टी है 0.1 सेकेंड, ओके। रेजिस्टेंस जो यूज कर रहे हैं हम लोग वो है 200 माइक्रो ओम, और हीट के लिए सिर्फ लैटेंट हीट ही दे रखी है वेल्ड नगेट की, लैटेंट हीट दे रखी है 1400 किलो जूल पर केजी, 1400 किलो जूल पर केजी। वन मिनट, माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको बताना है द करेंट पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोड्स विल बी, द करेंट पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोड्स विल बी, क्या होगा आंसर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन कैसे शुरू करते हैं हम लोग, आप भी अपना सॉल्व करते रहिए अगर आपको समझ में आ रहा है, बाकी मैं बता देता हूं डायरेक्टली आपको। ये दो प्लेट्स हैं हमारे पास, इनकी थिकनेस दोनों की है 1-1 मिलीमीटर की, ओके। और यहां पर जो वेल्ड डगेट जो बन रहा है वो थोड़ा सा, ये है 1-1 मिलीमीटर की थिकनेस, ओके। दोस्तों, तो ऐसा कुछ हो रहा है, ये आपका वेल्ड नगेट बन रहा है यहां पर, देखिए ये जो वेल्ड नगेट बना इस वेल्ड नगेट की हाइट है 1.5 मिलीमीटर और डायमीटर है 5 मिलीमीटर। ये टोटल 1 mm इधर है और 1 mm ये है, दोनों प्लेट्स मिला के 2 mm होता है, तो दोनों प्लेट्स मिला के हाइट 2 mm की है, उसमें से बीच में 1.5 mm जो है वो वेल्ड नगेट के लिए है, ठीक है ना। बीच में 1.5 mm
वेल नगेट के लिए है, तो दोनों में से 0.75 0.75 ये इतनी हाइट आ गई होगी, वेल नगेट में आ गई होगी। तो ये सिलेंड्रिकल शेप का वेल नगेट बन रहा है। तो यहां पे आप क्या करोगे, आपको वैसे ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आपको वैसे ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, गेट एग्जाम का क्वेश्चन है तो वहां पे तो आपको किनारे में सब कुछ सॉल्व करना होता है, लेकिन एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो इसलिए मैंने ये डायग्राम आपको बना दिया। तो अभी वॉल्यूम ऑफ वेल्ड नगेट क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 d² h, कर लो आप यहां पे, पाई बाई 4 d² क्या है, ये हो जाता है आपके पास 29.45 mm³। ओके, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, इट मींस 1 मीटर जो होता है दोस्तों वो 10³ मिलीमीटर होता है, ये हमें पता है, तो इसीलिए 1 मिलीमीटर जो होगा वो हो जाएगा 10⁻³। ओके okay? सर आंसर 8122 एम्पियर है क्या? नहीं, गलत हो गया कहीं पर। अब अगर इसका क्यूब करते हैं हम लोग दोनों साइड में, तो वन मिलीमीटर क्यूब जो होगा वो 10⁻⁹ मीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, तो इस मिलीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना होगा हमें, क्यों, क्योंकि डेंसिटी मीटर क्यूब में दे रखी है। ओके, डेंसिटी मीटर क्यूब में दे रखी है, कोई कह सकता है कि सर हम लोग क्या करेंगे कि इस डेंसिटी को मिलीमीटर क्यूब में चेंज कर लें तो क्या दिक्कत है, दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन डेंसिटी को मिलीमीटर क्यूब में चेंज करके फिर आपको वहां से भी कहते हैं क्या नाम है चीजें, फिर ये केजी के हिसाब से करने में पड़ेगी, तो या तो आप इसे मिलीमीटर क्यूब में चेंज करें या इसे मिलीमीटर, मतलब कि या तो 1 मिलीमीटर क्यूब को आपने, ये जो वॉल्यूम आया है इसे आप लोग चाहे तो मीटर क्यूब में चेंज कर लें, ये कितना हो जाएगा, ये होगा 29.45 × 10⁻⁹ मीटर क्यूब। ओके, तो ये हो गया सिंपल तरीके से, अगर आप इसे मिलीमीटर क्यूब में करते तो वो कर लीजिए अपने हिसाब से। 1 मीटर क्यूब क्या होगा, 1 मीटर क्यूब हो जाएगा हमारे पास, 1 मीटर क्यूब हो जाएगा 10⁹ मिलीमीटर क्यूब। तो यहां नीचे आप 10⁹ लिख दोगे तो फिर ऊपर के 3 जीरो से नीचे के 3 जीरो कट जाएंगे, बचेगा आपके पास 8 × 10⁻⁶ kg/mm³। तो दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे वो आप कर सकते हैं, मैंने ये वाला कर लिया है, वॉल्यूम मैंने निकाल लिया, डेंसिटी दे रखी है तो डेंसिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करूंगा तो मास आ जाएगा। ये है 8000 इसको कीजिए कितना आएगा, ये 2356600। सर आंसर आएगा 2061 एम्पियर। सर लास्ट में आंसर 2061 एम्पियर आएगा, ए 4061 एम्पियर सर। 4061 एकदम सही कह रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ये एम आ गया हमारे पास,
0.235 ग्राम आ गया। ये मास आ गया एम, 0.235 ग्राम। अब ये जब मुझे मास मिल गया है तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं इस मास एम और लैटेंट हीट एल का मल्टीप्लाई कर लूं तो वहां से मुझे मिल जाएगा हीट रिक्वायर्ड। तो मास 0.235 ये कर लिया, और एल मुझे पता है कितना है, एल है 1400 किलो जूल पर केजी। किलो जूल को मैं जूल में चेंज कर लूं, 1400 जूल, 1400 × 1000 जूल आ गया, और केजी को मैं ग्राम में चेंज कर लूं, ये 1000 ग्राम हो गया, ठीक है ना। किलो जूल को मैंने जूल में चेंज करने के लिए ऊपर 1000 कर दिया मल्टीप्लाई, और किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए नीचे कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये 1000 से 1000 कट गया, बचा मेरे पास ये, ऊपर भी किलो हट गया नीचे भी किलो हट गया, बचा जूल पर ग्राम, 1400 जूल पर ग्राम। अब ओहो, 1400 जूल पर ग्राम था और 0.235 ग्राम इसका वेट है, तो जूल की हीट रिक्वायर्ड आई है। ओके, 329 की जूल की हीट रिक्वायर्ड हमें आई है। अब ये हीट रिक्वायर्ड मिलेगी कहां से, यहां पर ऐसा कोई भी डेटा नहीं दिया हुआ है कि कुछ हीट एटमॉस्फेयर में इधर उधर वेस्ट हो रही है, तो मतलब कि ये पूरी पूरी जो हीट होगी हम लोग I²RT से ही सप्लाई करेंगे। ये हो गया 329 जूल, तो I² आर और टी आपको गिवन है, आर दिया हुआ है 200 माइक्रो ओम, टी दिया हुआ 0.1, ये हो गया 329। इसको करके सॉल्व करके देखिए, ये 10 की पावर -7, 10 की पावर -5 हो जाएगा, 2 × 10 की पावर -5, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 329 × 10 की पावर +5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 165 जैसा हो जाएगा कुछ। ओके, ये आ गया I² आ गया, तो अब यहां से I कितना हो जाएगा, 1645000, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप सॉल्व कर लें, यहां से आपका आंसर 4060 एम्पियर जितना ये आंसर। ठीक है, बाकी 1% का आंसर अगर ऊपर नीचे अगर हो रहा होता है, आजकल देखिए आजकल गेट एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में आने लगे हैं, पहले तो केवल 4 ऑप्शंस दिए रहते थे उसमें से टिक लगाना था, लेकिन अभी पिछले 4 साल से ऐसा शुरू कर दिया कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी क्वेश्चन आने लगे हैं। उसमें होता क्या था कि जो 4 ऑप्शन जो दिए रहते थे उसमें, अब कुछ लोगों की किस्मत इतनी जबरदस्त होती थी कि वो बिना पढ़ाई लिखाई करे पहुंचते थे और उन 4 ऑप्शनों में टिक करते थे, खटाखट खटाखट कुछ भी जय बजरंगबली करके बी फॉर बजरंगबली के पे टिक लगाए थे लोग, और कई सारे आंसर उनके सही हो जाते थे, अपना अपना जो भी फंडा हो, तुक्केबाजी में भी उनके आंसर सही हो जाते थे और उनको कुछ ठीक ठाक नंबर मिल जाते थे। तो ऐसा किसी के साथ भी ना होने पाए, कोई तुक्केबाजी करके अच्छे नंबर ना ले आने पाए, ऐसा सोचा गया गेट वालों की तरफ से। तो पेपर को थोड़ा और टफ बनाने के लिए उन्होंने क्या किया,
फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन देने शुरू कर दिए हैं, उसमें आपको आंसर निकालना होता है। तो वहां पर 1% अगर ऊपर नीचे अगर हो रहा है, मतलब अगर ये क्वेश्चन का आंसर किसी का 4020 से 4100 के बीच में अगर आएगा तो उसको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो बिल्कुल भी घबराने की नहीं, आप लोगों के सॉल्व करने में किसी को भी अगर ऊपर नीचे हो रहा हो थोड़ा बहुत, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। सर, फिल इन द ब्लैंक्स में माइनस मार्किंग होता है क्या? फिल हाँ इन द ब्लैंक्स में माइनस मार्किंग? नहीं, उसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है, उसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है, उसमें बस आपने अगर अगर आपका आंसर सही है तो मार्क्स मिलेंगे, आंसर गलत है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गए, इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारे पास एक मेथड है स्पॉट वेल्डिंग का। अगला एक और देख लेते हैं इसी में। इसको हम लोग सीम वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। ये सीम वर्ड आप लोगों ने सुना है पहले कभी? हाँ, यस सर, सुना है कहाँ पे सुना है? अरे सीम वेल्डिंग में सुना है, मतलब सीम वर्ड और कहीं नहीं सुना है, कहीं जिंदगी में, लाइफ में कहीं और? सीम सर, सीम बोलर हाँ, बोलर फास्ट एंड सीम। बॉलिंग जो कराते हैं उसमें सुना यस होगा। यस सीम बॉलिंग क्या होती है? देखिए, बॉल जो होती है ना आपकी, बॉल जो होती है तो उसमें आप देखोगे उसको लेदर की ये जो बॉल रहती है उसको हम लोगों ने, ये क्रिकेट बॉल जो होती है, ये ऐसे सिली हुई रहती है, ठीक है ना? ये जो फास्ट बॉलर्स जो होते हैं वो इसी जगह से, जहां पे ये बॉल सिली हुई रहती है, इसी जगह से पकड़ करके बॉलिंग कराते हैं, ठीक है ना? तो ये मतलब सीम बॉल कुछ होती, मतलब कि उसमें बॉलिंग में तो कुछ होता होगा, बाकी सीम का मतलब ये रहता है जो सिलाई हुई रहती है, ये होता है सीम। तो इसी जगह से पकड़ करके बॉलिंग कराने को सीम बॉलिंग कहते हैं। अभी इस वर्ड से याद रखिएगा, इस मैंने ये चीज क्यों डिस्कस करी, इससे याद रहेगा आपको, सीम का मतलब जैसे कि ये जो लगातार सिलाई हो रखी है तो वो है सीम। तो यहाँ पर भी जो सीम वेल्डिंग भी जो होती है, सीम वेल्डिंग में क्या होता है, ये भी आपका एक तरीके से आप कह सकते हैं ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग का, पहली बात तो ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एक दूसरा पार्ट है, स्पॉट वेल्डिंग के बाद सेकेंड नंबर पे ये आता है। तो ये पूरे यस बता दो अपने बता प्रोडक्ट में, दो पैसा से अलग हुआ था, नए नए वर्ड खत्म कभी कभी खेल नहीं से हुआ। अमित सर क्यों था सर? हसी कर यार, अच्छा रहा बड़ा तंगा दबा गया यार, तंबा से उठे। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे अगर किसी प्रोडक्ट में अपने बार बार वेल्डिंग करानी है, तो और एक लीक प्रूफ ज्वाइंट प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो जब कभी हमें किसी प्लेट में थोड़ी थोड़ी दूरी पे
लगातार ये स्पॉट वेल्ड करते जाना है ताकि एक लीक प्रूफ, कोई लीकेज ना होने पाए, एक ऐसा ज्वाइंट प्रोड्यूस करना हो, तो वहां पर ये सीम वेल्डिंग बड़ा ही सुटेबल ऑप्शन माना जाता है। इसमें हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये सर्कुलर इलेक्ट्रोड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये सर्कुलर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और ये सर्कुलर इलेक्ट्रोड्स थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे ये घूमते जाते हैं, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ओके, ये दोनों ऐसे घूम रहे होते हैं, और अच्छा ये हमने गलत घुमा दिया इनको, उल्टा घुमाना था। ठीक है, ये ऐसे घूम रहे हैं और इनके बीच में से ये प्लेट बाहर निकलने लगातार इधर की ओर, तो ये कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्ड प्रोड्यूस करता है सीम वेल्डिंग। कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्ड प्रोड्यूस करते हुए जब कभी हमें लीक प्रूफ जॉइंट बनाने होते हैं, जैसे गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर में से कहीं से भी गैस लीक नहीं होनी चाहिए किसी हालत में, ठीक है दोस्तों। तो वो वहां पे ऐसी कई जगह हैं जहां पर हमें लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाना होता है, तो ये लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए हम लोग मेटेलिक शीट्स का लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए हम लोग सीम वेल्डिंग कराते हैं। सीम वेल्डिंग में हमारे पास एक सर्कुलर या डिस्क के शेप का इलेक्ट्रोड होता है, ओके? ठीक इसमें आप ऐसा लिख लीजिए, कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग इज नोन एज सीम वेल्डिंग विच इज प्रोड्यूस्ड बाई यूजिंग, विच इज प्रोड्यूस्ड बाई यूजिंग सर्कुलर ऑब्लिक व्हील ऑब्लिक डिस्क इलेक्ट्रोड्स। ओके फ्रेंड्स, डिस्क इलेक्ट्रोड मतलब सर्कुलर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करके हम लोग ये सीम वेल्डिंग प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि लीक प्रूफ ज्वाइंट बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अभी आप जो देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पे, जो आप चीजें देख रहे हैं, ये इतने डेटा से गेट एग्जाम में कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका होगा। 10 बार नहीं तो कम से कम 5-6 बार तो पूछा जा चुका है। बाकी अगर आप सारी इसरो वगैरह जितने भी बाकी अदर कंप्यूटर एग्जाम वो सब मिला लें तो 10 बार तो हो गया होगा क्वेश्चन पक्का। एक बार सर्कुलर डिस्क पूछ, एक बार पूछा सर्कुलर इलेक्ट्रोड,
मतलब ऑप्शन दिया हुआ था कि सीम वेल्डिंग एक ऐसा वेल्डिंग मेथड है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड एज लाइक, तो एक बार था सर्कुलर इलेक्ट्रोड सही ऑप्शन था, एक बार व्हील इलेक्ट्रोड, एक बार डिस्क इलेक्ट्रोड, मतलब लैंग्वेज ऐसी सेट करते हैं कि तीनों एक एक, एक बार पूछा जा चुका है, लीक प्रूफ ज्वाइंट भी पूछ चुके हैं, कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्ड भी पूछा चुका है, हर एक चीज यहाँ पर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में यही होता है कि हर एक लाइन में एक क्वेश्चन बन जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो हमें केवल वही उतना पढ़ना होता है जितना पूछा जाता है, अदरवाइज पीएचडी करने का जाएंगे तो पीएचडी करते रह जाएंगे, केवल प्रोडक्शन पढ़ते रह जाएंगे। ठीक है, आपने सुना होगा कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बीटेक भी होती है, ठीक है ना, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल के यही हिस्से ऐसे हैं जिसमें अलग से बीटेक होती है, ठीक है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग के दो पार्ट होते हैं, प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग में बीटेक स्टार्ट की गई मैकेनिकल से निकाल करके, फिर उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं भाई मैन्युफैक्चरिंग में भी दोनों बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है, तो प्रोडक्शन में भी कई जगहों पर बीटेक होती है अलग से, और सिर्फ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी बीटेक होती है कई जगहों पर अलग से। ठीक है दोस्तों, तो इनका सिलेबस इतना वाइड है, इतनी ज्यादा चीजें हैं कि ये अलग से बीटेक कराते हैं, आपने कहीं नहीं सुना होगा कि अलग से क्या नाम है एमडी में बीटेक हो रही है, या फिर अलग से सिर्फ क्या कहते हैं क्या नाम है थर्मोडायनेमिक्स में बीटेक हो रही है, या फिर अलग से सिर्फ एफएम में बीटेक हो रही है। ठीक है, एमटेक होती है इनमें लेकिन बीटेक नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर तो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन इंडस्ट्री में बीटेक भी हो जाती है, क्योंकि इतना सिलेबस है कि पढ़ाते जाओ तो 4 साल भी कम पड़ जाते हैं। ठीक है ना, तो इतना नहीं पढ़ना है हमें, हमें केवल अपने जो कंप्यूटर एग्जाम है उसके हिसाब से चीजों को पढ़ना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं और कल फिर मिलते हैं, कल हम लोग प्रोजेक्शन वेल्डिंग और उसके आगे का पोर्शन देखेंगे। ओके सर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, थैंक यू यस सर, सर, थैंक थैंक यू सर। यू सर। चलिए फिर, हम ओके, गुड बाय। हेलो, हाँ जी बताइए। यस मैम, हाउ इज दिस? यस मैम, गुड मॉर्निंग। मैम, आई एम इन ए मीटिंग एंड लेट मी फिनिश दिस, आई एम कॉन्टेक्टिंग विद यू।